भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख धरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, किकड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सैकं नमः, भवं भवानी सैकं नमः, भवं भवानी सैकं नमः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि जभागालो दवानि जपस्पांजल रमया दत्तग्रहाण परमेश्वरा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बलवृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे और अपना अपना आसन खड़े कर लेंगे। सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर शोभायमान हो चुके हैं, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन, आप लोग भी यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। बड़ी सुंदर पावन उपस्थिति आज के दिव्य कथा की रही। सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन करते हुए हमने हैदराबाद से जो भैया टी राजा सिंह यहाँ पधारे हैं, सनातन धर्म की आवाज कहे जाते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, ऐसे दिव्य भैया जी के दर्शन किए। बड़ा ही सुंदर उन्होंने जोश उत्साह हमारे और आपके अंदर जगाया। बड़ा ही सुंदर ये पावन सौभाग्य कि ऐसे समय पर हमें दिव्य कथा से एक साथ एकजुट होकर के इस दिव्य प्रांगण से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आयोजक परिवार के लिए और मुख्य यजमान श्री कृष्णा कान्हा जी बजारी और पूरे परिवार के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहां सजोया है। इस दिव्य आयोजन के माध्यम से हम और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर परम सौभाग्य है, एक तरफ जहां अयोध्या की पावन धरती भगवा रंग से रंगी हुई है और वहीं दूसरी तरफ ये रायपुर भी भगवा रंग से रंगी हुई है। कितना सुंदर ये दिव्य सनातन का नजारा आप लोग और हम लोग देख पा रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने एकजुट किया है आज इस मात्र शक्ति और हम शेर भाइयों को जो हिंदू सनातनी है, और आज दिव्य एक क्षेत्र इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अगर एक सामान्य सनातनी चाहे तो वो क्या कर सकता है। आइए इससे पहले की दिव्य कथा में डुबकी लगाएं, आज पंचम दिवस की बड़ी सुंदर पावन कथा है, ठाकुर जी के दिव्य बाल लीलाओं से परिपूर्ण इस पावन कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। उससे पहले जैसा कि निरंतर यहाँ सेवाओं के बारे में आदरणीय है हमारे राहुल भैया जी आप सबको बता रहे थे, शास्त्री जी बता रहे थे, ठीक वहीं से पावन सेवाओं के बारे में आइए शुरू करेंगे। चिधाम वृंदावन में बड़ी पावन सुंदर सेवाएं चल रही हैं, जिन सेवाओं के बारे में आप नित्य चार दिन से जान रहे हैं। वैसे तो इन सभी सेवाओं को आप लोग जानते ही हैं कि लोग, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और जन जन के माध्यम से आज ये सेवाएं घर घर तक पहुंच चुकी हैं। और इन सभी सेवाओं को और सनातन भाइयों को जगाने का, इन सेवाओं के प्रति समर्पित करने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो है हमारे लाडले पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिनकी प्रयास अथक मेहनत के बाद में इतना सुंदर ये नजारा हम और आप सभी लोग देख पा रहे हैं। आज लोग अपनों की सेवा कर रहे हैं और अपनों के साथ में श्रीधाम वृंदावन से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। आइए ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो सेवाएं निरंतर गौरी गोपाल आश्रम परिवार के माध्यम से घर घर तक पहुंच रही हैं वो आपके घर तक भी पहुंचे, आपके भी जहन में उतरे और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। सेवाओं में
बड़ी पावन सुंदर सेवा उन माओं की हो रही है जिन माओं को वास्तव में आज आपके और हमारे सहारे की आवश्यकता है। आज गौरी गोपाल आश्रम में पूरी 273 माएं हैं जिन माओं की बड़ी सुंदर देखभाल के साथ में सेवा पूज्य लाडले सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। धन्य है सद्गुरुदेव भगवान जिन्होंने ऐसी माओं को केवल गले ही नहीं लगाया बल्कि वही आदर वही भाव वही सम्मान और वही प्यार दिया जो एक बेटा अपनी माँ को देता है। जैसे एक माँ आपकी है वैसे ही माँ एक गुरुदेव भगवान की है, परंतु अंतर इतना है कि एक सामान्य व्यक्ति एक माँ की सेवा नहीं कर पाता। ऐसे में पूज्य गुरु जी पूरी 273 माओं की सेवा कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां पुनः सद्गुरुदेव भगवान के लिए। आइए मैं चाहूंगा कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सब आपका और हमारा भी कार्य है। इसे आप भी अपनाएं और आप भी इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ें। इनमें से ज्यादा नहीं तो किसी एक माँ का सहारा आप भी बने। तो आइए मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से आप भी एक माँ का सहारा बनेंगे। इस पावन पुनीत कार्य में आहुति लगाते हुए आप भी इस सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ लेंगे। तो आइए मैं चाहूंगा कि इन माओं की सेवा के साथ में अन्यत्र सेवाएं जो यहाँ चल रही हैं, जैसे कि संत सेवा गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र जहाँ से हजारों संतों को हर रोज यहाँ प्रसादी मिलती है, ऐसी दिव्य सेवा के दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तो जरा सोचिए अगर इस सेवा के लिए आपके अन्नदान के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने इन हाथों के माध्यम से कितना पुण्य आप कमा पाएंगे। तो आइए मैं चाहूंगा कि अन्य क्षेत्र पावन सेवा के साथ में गौरी गोपाल रसोई की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें और भी निरंतर जो सेवाएं चल रही हैं उन सभी सेवाओं में आप अपनी भूमिका निभाते हुए अपने आप को जोड़ें। आइए आप में से किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने मेरे भाई बहनों ने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए और धन को केवल धर्म से ही नहीं जोड़ा बल्कि अपने आप को पुण्यों से भी जोड़ लिया है और आशीर्वाद की श्रेणी से भी जोड़ लिया है। नाम सुनेंगे ऐसे दानवीर महापुरुषों के। आज की श्रेणी में स्वर्गीय लेडगू यादव जी, स्वर्गीय सुनील यादव के नाम से आपके इस पांडाल से आपके मध्य से ही उनके नाम से 500,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय लेडगू यादव जी के नाम से, स्वर्गीय सुनील यादव जी के नाम से भिलाई छत्तीसगढ़ से आप अपना योगदान दे रहे हैं। इन माओ के लिए एक कपड़ा बनवाते हुए अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके मंच पर आए। और इसी श्रेणी में केवरा भाई यादव जी आप 42,000 रुपए का योगदान सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं बात कर रहा था दानवीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं। उनमें से सतना से मध्य प्रदेश सभी सेवाओं से 51,000 रुपए देते हुए अपना नाम लिखा रहे हैं, अपना नाम गुप्त भी रख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 51,000 रुपए का सुंदर सा योगदान देते हुए माओं की पावन सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। वहीं गीता देवी स्वर्गीय है मथुरा लाल जी के नाम से भीलवाड़ा से 21,000 रुपए, उमेश प्रसाद वर्मा जी नालंदा बिहार से 21,000 रुपए देते हुए आप एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। ललित बंसल पंजाब से 21,000 रुपए, राजेश कुमार जी रांची से 21,100 रुपए, मोतीलाल जी शर्मा धार से 21,000 रुपए, कमला जी राठौर मुरादाबाद से 11,000 रुपए, देवेंद्र कुमार जी मुखिया मधुबनी बिहार से आप 11,000 रुपए, धर्मेंद्र कुमार जी मुंगेली से 11,000 रुपए, साक्षी रोहिला जी गुड़गांव से 11,000 रुपए, आर्या जी पांडा उड़ीसा से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शकुंतला जी सजवन आप दिल्ली से 11,001 रुपए, गीता देवी स्वर्गीय मथुरा लाल जी के नाम से भीलवाड़ा से 11,000 रुपए, संयुक्ता जी कुमारी आप बलरामपुर से ओडिशा से 11,000 रुपए, सोमनाथ साहु जी इंदौर से 11,000 रुपए, सुकमणी मेहर जी आप सारगढ़ से 11,000 रुपए योगदान दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं से जोड़ा और पुण्य लाभ अर्जित किया। आइए एक बार फिर से राममय हो बनाएंगे इस प्रांगण को और चलेंगे पावन कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। अभी 7 मार्च से 7 तारीख से भागवत जी के पाठ वृंदावन में बैठेंगे। आप भी वृंदावन आकर भागवत जी की सेवा सुन करके सेवा करिए, भागवत सुनिए, भागवत का पाठ पितरों के लिए घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारंभा नाचयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम ओ नंद भवन में उड़ रही धूल ओ गुड़ियारी में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे प्यारी लगे ओ हो प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे मेरे माथे पे आवे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे अरे माथे पे आवे मेरे माथे पे आवे माथे पे आवे मेरे माथे पे आवे मैंने 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 तिलक लगाए भरपूर
प्यारी लगे। ओ मैंने दिल लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। है नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे नैनन पे आवे मेरे नैनन पे आवे। नैनन पे आवे मेरे नैनन पे आवे। मैंने दर्शन हो मैंने दर्शन हो मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हर प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। हर प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे आज प्यारी लगे। आज प्यारी लगे आज प्यारी लगे। मोहे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। आज की कथा में अतिथि के रूप में हमारे भैया टी राजा हैदराबाद के वर्तमान विधायक जी टी राजा आज रायपुर की पावन धरती गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कृपा से आज कथा में आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आने वाली हमारी माताएं बहनें कथा इतनी प्रेम से आपने सुनी कि देवता भी बरसने लगे कथा सुनने के लिए। देवता भी आ रहे हैं। देखिए ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कथा में भगवान का ये जलवृष्टि हो जाना मतलब इस बात के संकेत हैं कि कथा आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और ये सफलता है। कथा की सफलता है। सतयुग त्रेता द्वापर में देवता पुष्प बरसाया करते थे और कलयुग में शुभ कार्य हो तो देवता जल बरसाते हैं। और आप हमारी माताएं कुछ बहनें बेचारी हमारी माताएं बहनें गीली भी हो गईं फिर भी कथा में देखो कोई कमी नहीं है। खड़े होकर के सुन रहे हैं। जगह पूरी खचाखच आप भक्तों से भरी है और आप प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी सब लोग लगा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को सबको जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की कथा में। संस्कार टीवी और यूट्यूब पर जुड़ने वाले भक्तों को भी जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा से श्रीमती सुनीता बाजारी हमारी मैया श्रीमती सुनीता बाजारी जी जिनके पुत्र कान्हा बाजारी जी और उनकी धर्मपत्नी श्री राधिका बाजारी जी अपने कान्हा जी अपने स्वर्गीय पिता श्री सत्यनारायण बाजारी जी की पावन स्मृति में ये सुंदर सा आयोजन आप श्री करा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी भागवत की इस गंगा में डुबकी लगाकर जो भागवत सुनता है उसका लोक परलोक दोनों सवर जाता है। और कथा से आप बताइए आप में से कितने लोगों ने कथा से कुछ ना कुछ सीखा है। जो सीखे हैं वो हाथ उठाएं। कथा हमारे जीवन को बदलती है या नहीं। हाँ या ना। कथा हमारे जीवन को बदलती है या नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को बदला हुआ सा महसूस कर रहे हैं ये कथा का ही प्रभाव है। आप कुछ भी ना करें केवल कथाएं सुनते रहें आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे। कब आपकी जिंदगी बदल गई कब आपके जीवन से नकारात्मकता समाप्त होकर कब जीवन में सकारात्मकता प्रवेश कर गई आपको पता ही नहीं लगेगा। कब नेगेटिविटी खत्म हो गई और कब पॉजिटिविटी आ गई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कथा हमें एक गुड एनर्जी से भरती है बैड एनर्जी से बचाती है। और कथा कितनी सुंदर है संसार के हर बंधन से मुक्त करने वाली ये सुंदर सी कथा है। मैया ओ मेरी माँ सुन रही हो ना मेरी माँ तो ध्यान दो। फिर भागवत हमें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि बिना भागवत सुने हमारा लोक परलोक सवरता नहीं। प्रिय भक्तों कल हम लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। क्या मनाया कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हत्ती दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पालकी नंद के आनंद भयो
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रिय भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बताइए भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? जोर से, मैया ओ मेरी माँ, कथा सुनने के लिए वरुण देवता भी आए ना, भगवान की कथा सुनने के लिए देवी देवता भी आते हैं अपना अपना रूप लेकर के, ना जाने किस रूप में कौन आ जाए, तो देवता भी आ रहे हैं। अब आप लोग बैठिए और प्रेम से शांति, मैया टुकपैटाप रहो मेरी माँ। चलो, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी और हाथों में हथकड़ियां थी। वसुदेव जी बंधे थे, हाँ या ना? वसुदेव जी बंधे थे कि नहीं? पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां, बंधे थे, पर जैसे ही भगवान को लेकर चले मुक्त हो गए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? जो बंधे हैं वो हाथ उठा के हमें बताएं, कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? मैया आप बैठ जाओ, आगे वाले भक्तों, ये मैया हमारी सब बैठ जाएं, सब बैठ जाओ, मेरी माँ बैठो, शांति से बैठ जाओ। आप में से कितने लोग बंधे हैं एक बार पुनः हाथ उठा के बता दो हमें, क्लियर? बंधे हैं ना? चलो अब हाथ नीचे करो, अब सुनते हैं। देखो, आप लोगों ने अभी बताया हमसे कि महाराज जी हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से, बच्चों से, सब बंधे हुए हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? आओ उस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हम बंधे नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा, फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। आवाज आ रही है ना सब तक? आ रही है तो हाथ उठाओ। एक धोबी था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक धोबी था, वो राजा के कपड़े लेकर के धोबी घाट चला। उसका एक गधा था, गधे के पीठ में सारे राजा के कपड़े उसने लादे और धोबी घाट की ओर प्रस्थान किया। अभी धोबी घाट पहुंचा ही था कि उसे याद आया कि मैं तो गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल गया, अब वो गधे को बांधे कैसे? तो वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी से उस धोबी ने पूछा कि बताओ मैं किस तरह से बांधूं अपने गधे को, आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो आप मेरी मदद करो। संत जी ने कहा कि तुम इसे रोज कहां बांधते थे? बोले इस जगह। तो संत जी ने कहा कि उसे रोज तुम बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांध दो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, झूठ मूठ का पेड़ से लपेट दो, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो, गधा बंध जाएगा। धोबी ने वैसा ही किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा। अच्छा, गधे को तो थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया हूं? और गधा वहीं खड़ा। धोबी ने सारे कपड़े धोले और कपड़े धुलकर गधे के पीठ पर कपड़ा रखा, एक लाठी मारी गधे को, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा, हे भगवान क्या जादू हो गया, हमारा गधा तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, क्यों तुमने उसे खोला कि नहीं? गधा धोबी ने बोला कि मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कैसे? संत जी ने कहा, बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय तो करो। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आप सबसे, बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो सारे लोग, उत्तर दो, क्या गधा बंधा हुआ था?
नहीं, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, हाँ या ना? गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए आप लोग क्या? कौन वो गधा? मेरी मां? नहीं, हम क्यों कहें? आप खुद ही अपना परिचय दो। जैसे वो गधा बंधा नहीं था परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, उसी तरह आप लोग हम सब लोग कोई भी किसी से बंधा नहीं है, पर अज्ञानवश हम अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं उस गधे की तरह। कोई नहीं बंधा, आज बुलावा आ जाए आपका तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। तो बंधा कौन है, किससे बंधा? कोई नहीं बंधा किसी से, लेकिन सारी जिंदगी हमें यह लगता है कि हम बंधे हुए। अच्छा, यह बात सही है कि गलत है? हम में से बंधा कोई भी नहीं है, लेकिन मानते हैं अज्ञानवश। जैसे रस्सी को सांप मान लिया अज्ञानवश, उसी तरह हम मानते हैं कि हम बंधे हैं। आप में से कितने लोग, हम सब मुक्त हैं, हम सब कौन हैं? मुक्त हैं, लेकिन बंधे हुए मान रहे हैं। देखो ना, गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ सा मान रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, बंधन में ज्यादा सुख है कि मुक्ति में ज्यादा सुख है? फास्ट मैया, शांति से बताओ, बंधन में मुक्ति, बंधन में सुख है या मुक्ति में सुख है? जोर से, जोर से। हां, मुक्ति में सुख है, बंधन में नहीं। देखो ना, आप अपने दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ो जरा जोर से। मैया पकड़ लो मेरी मां, ऐसे पकड़ो। लाल मैया पकड़ लो मेरी मां, ऐसे पकड़ो, जोर से दबाओ, जोर लगा के और जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? जोर से। हां, संसार को पकड़ने में दुख है और छोड़ने में सुख है। आपने पकड़ रखा है, यही आपका दुख है। छोड़ना है, पकड़ना किसे है? प्रभु के चरणों को। संसार को नहीं पकड़ना, संसार हमें बांधता है, हमें बंधना नहीं है। तो आप में से कोई भी बंधा नहीं है, आज से कभी ये मत बोलना कि हम बंधे हैं। अच्छा, याद रखो, एक नदी में एक नाव थी, उस नाव में चार भंगेड़ी बैठ गए, भंगेड़ी मतलब भांग पीकर। एक नाव में चार भंगेड़ी बैठे भांग पीकर और पूरी रात नाव चलाई। उनको लगा चलो आज फलाने स्थान पर चलते हैं नाव के रास्ते। वो चार भंगेड़ी नाव पर बैठे और पूरी रात नाव चलाई। सवेरा हुआ, उनका नशा उतरा, उन्हें लगा शायद हमारी मंजिल आ गई। पर उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जहां बैठे थे वो वहीं के वहीं हैं, वो कहीं नहीं पहुंचे। अब आप बताओ, पूरी रात नाव चली पर वो कहीं पहुंचे नहीं, बताओ क्यों? पूरी रात नाव चली पर वो कहीं नहीं पहुंचे, बताओ क्यों? जोर से, क्योंकि क्योंकि उनकी नाव एक खूंटे से बंधी थी और बंधी बंधाई नाव में बैठ के पूरी रात नशे में नाव चलाई। तो नाव चली तो सही पर यहां वहां हिल रही है नाव, वहीं 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 वहीं। उन्हें लगा नाव चल रही है, पूरी रात मेहनत करी। अब बताओ, सारी मेहनत बेकार हुई कि नहीं? हाँ या ना?
मैया सुन रही हो मेरी मां, पूरी रात जो उसने मेहनत करी सारी बेकार हो गई, क्योंकि नाव खूंटे से उसने खोला ही नहीं। उसी तरह अभी आप लोगों ने बताया महाराज जी हम बंधे हैं, और बंधे बंधे कोई भी कर्म करोगे तो वो कर्म आपको थोड़ी कहीं पहुंचा सकता है। पहले अपने को खोलो संसार से, तब परमात्मा की ओर बढ़ो, तब पहुंचोगे। अब बंधे बंधाए सारी मेहनत करो, खूब माला जपो, खूब कीर्तन करो, और बंधे तो हो तो फिर पहुंचोगे थोड़ी कहीं, सारी मेहनत बेकार है। इसलिए पहले खोलो अपने आप को, नाव को पहले खोलो खूंटे से, और फिर नाव चलाओ तो नाव चलेगी। संसार से पहले मुक्त करो अपने आप को। किस से मुक्त करना है? अभिमान से। अपने आप को किस से मुक्त करना है? जोर से, अभिमान से, काम से, क्रोध से, लोभ से, निंदा से, चुगली से। आप बंधे तो हैं, पर किस से? निंदा से, चुगली से, छल से, कपट से, झूठ से। आप क्या बोलते हैं? महाराज जी हम झूठ नहीं बोले तो हमारा व्यापार नहीं चले। इसका मतलब आप झूठ से बंधे हैं कि नहीं? आप दिन भर एक एक घंटा बैठकर निंदा चुगली करते हैं तो आप बंधे हैं कि नहीं? अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त कर लो, और जब यहां से खुल जाओगे और फिर नाम का नाम एक नाम जपोगे तो वह एक नाम आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। अरे भाई, नाव यदि खुली है और किसी ने एक बार चाबुक चलाया, एक बार पतवार चलाई, तो नाव बहुत आगे बढ़ जाती है कि नहीं? बस वही है, खोलना है। और खोलेंगे कैसे? संतों की संगति से, सत्संग करने से हम खुल जाएंगे संसार के हर बंधन से। कथा हमें खोलती है और संसार हमें बांधता है। अब बंधना है तो जगत में रहो, और मुक्त होना है तो जगन्नाथ जी की शरण में रहो। दोनों ही आपके ऑप्शन हैं, या तो जगत या तो जगन्नाथ। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया बैठो, आप लोग किनारे जो खड़ी हो, मेरी माँ बैठ जाओ जल्दी से। मेरी मैया, प्यारी मैया बैठो, मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया बैठ जाओ। नहीं बैठोगी? गुस्सा हो क्या? अच्छा टाटा कर लो, चलो टाटा। अब बैठ जाओ मेरी माँ, टाटा बाय बाय हो गया, अब बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ जो खड़े हैं। अभी सुंदर सी कथा हम आपको सुनाएंगे, मस्त भगवान की बाल लीला सुनेंगे, आनंद आएगा, सुनिएगा। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अच्छा, भगवान को लेकर जो चलता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी भी बंधे थे पर प्रभु को लेकर चले तो मुक्त हो गए। जो जगत को लेकर चलेगा वो बंधेगा, और जो जगन्नाथ मतलब कृष्ण को लेकर चलेगा वो मुक्त हो जाएगा। वसुदेव जी मुक्त हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया, बधाइयां लुटाई गई, खूब उत्सव मनाया गया। अभी उत्सव आनंद चल ही रहा था कि पूतना मौसी आकर धमक गई। पूतना, पूतना मौसी आकर के धमक गई। पूतना, ये पूतना को, आप पूतना को जानते हो भाई? आप पूतना को जानते हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? नहीं, ऐसे से रहला रहे हो जैसे आपके पड़ोस में रहती हो। पूतना जानते हो? जानते हो कौन मौसी लगती है आपकी? क्या पूतना, पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरए स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खाती थी, बच्चों का खून पी जाती थी, ऐसी पूतना आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। वाह, जब पूतना आई तो अपने स्तनों में जहर भर करके लाई, और पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण के सामने गई तो भगवान ने पूतना को देखा, और देखते ही भगवान ने क्या किया? अच्छा, पूतना
को देखते ही भगवान ने अपनी आंखों को मूंद लिया, मतलब बंद कर लिया। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आपने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान बोले कि पूतना बाहर से बहुत सुंदर है। अच्छा, पूतना बाहर से बहुत बन ठन करके सज धज करके आई, पर भीतर ना उसके छल कपट भरा था। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर हो पर मन में भीतर से कपट भरा हो, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान उसे कभी नहीं देखते जो बाहर से अच्छा है, भगवान सदा उसे देखते हैं जो भीतर से अच्छा है। तो बताओ, आप बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से अच्छे हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, आप बाहर से अच्छी हो या भीतर से? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? अब बताओ, आप बाहर से अच्छी हो कि भीतर से अच्छी हो? बाहर से, भीतर से। हम बाहर से अच्छे हो या ना हो, हम गोरे हो, काले हो, सांवले हो, ठिनगे हो, लंबे हो, चमड़ी सजाने से कोई लाभ नहीं। क्या सजाना है मेरी माँ? हाँ, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। सत्संग जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया। अच्छा ये बताओ मैया, एक बात बताओ मेरी माँ, ये जो आपको मनुष्य का शरीर मिला है क्यों मिला है आपको? आपने अभी देखो, आप लोगों ने क्या क्या पाया मैं थोड़ा गिना दूं, गिन लेना। आपने क्या क्या पाया, आपने क्या क्या पाया, ध्यान से सुनो, शांति से आनंद से सुनो। जहां हो मेरी माँ वहीं बैठो और सुनो। आप लोगों ने क्या क्या पाया मैं गिना रहा हूं। आप लोगों ने मानव का शरीर पाया, पहला। दूसरा, आपने माता को माँ बाप पाए, पति पत्नी पाई, बेटा बेटी पाया, पद प्रतिष्ठा पाई, धन दौलत बिजनेस व्यापार नाम इज्जत सब तो पाया। अब आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, अब आप सब मुझे ये बताने की कृपा करो कि अब और क्या बाकी रहा आपके लिए, क्या प्राप्त करना, क्या पाना शेष रहा? आप सब बताओ क्या पाना शेष रहा? ये सफेद वाले भैया बताएंगे, कुर्ता सफेद, बताओ। आपने शादी हो गई, आपकी बच्चे हैं, देखो आपने सब कुछ पा लिया, अब क्या पाना शेष रहा बताओ जोर से।
क्या पाना शेष रहा, सब तो मिल गया ना हमें। और सुनो, जो काम आप लोग करते हैं ना, यही काम सारे लोग करते हैं। सारे लोग मतलब यही काम पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब करते हैं। आप लोग खाते हैं तो कुत्ता भी खाता है, आप सोते हैं बिल्ली भी सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। तीन काम सब लोग करते हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये तीनों काम हम सब करते हैं। यदि यही करने आए हो तो बताओ फिर मानव का शरीर आपको क्यों मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है, इस शरीर को पाकर किसे पाना है, उसे पाना है। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिस योनि से भगवान को पाया जा सकता है। क्या कुत्ते के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? क्या बिल्ली और कॉकरोच के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? केवल मनुष्य। और यदि मनुष्य होकर भी हमारा मन भगवान से ना जुड़ा, हमने आत्म कल्याण का ना सोचा, हमने सत्य ना बोला, परोपकार ना किया, समाज की सेवा ना की, तो फिर हमारा ये मनुष्य बनना सार्थक हुआ, सफल हुआ ना? प्रिय भक्तों, ये शरीर हमने क्यों पाया है? उस परमात्मा से मिलने के लिए। और यही शरीर है मानव का। ये मेरा आखिरी जन्म है मेरी मां, ये अनिरुद्धाचार्य जो है, ये मानव शरीर में मैं हूं, ये मेरा अंतिम है, अंतिम जन्म है। यदि मैं इसके बाद भी जन्म लूं तो जन्म लूं पर भगवान का दास भक्त बनकर जन्म लूं। एक बात बताओ, यदि मनुष्य बनकर आप फिर से 84 के चक्कर में पड़े तब तो मनुष्य बनना सार्थक नहीं हुआ। अरे मनुष्य बनने का अर्थ है कि 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। यदि आप मुक्त नहीं हुए जन्म और मृत्यु के इस चक्र से, तो फिर मानव शरीर पाने का अर्थ क्या निकला, ये बताओ। आप यहां आए, आप गुड़ियारी में चल रही कथा में, रायपुर की पावन धरती में आप कथा सुनने आए, और आप कथा में आकर 3 घंटे बैठे परंतु आपने कथा सुनी ही नहीं, तो फिर यहां आने का कोई अर्थ निकला? उत्तर दो मेरी मां। आप यहां आए, 3 घंटे आप यहां बैठे पर आपने कथा में कुछ सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो फिर आपके यहां आने का कोई अर्थ निकला? उत्तर हां या ना में उत्तर दो मेरी मां। नहीं। उसी तरह आपने मनुष्य का शरीर पाया पर मुक्त तो हुए नहीं। मनुष्य का शरीर एक चाबी है, चाबी भी बिल्कुल आपकी तरह होती है। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर जो हमने पाया है, ये एक चाबी है कि नहीं? आप कितने लोग मानते हैं कि ये चाबी है? मनुष्य का शरीर एक चाबी है, और इस चाबी से मुक्ति का दरवाजा खुलने वाला है, मुक्ति का ताला खुलने वाला है। यदि इस शरीर से आपने उस ईश्वर को प्राप्त किया तो आपके लिए मुक्ति का दरवाजा खुला, लॉक खुला, वरना ये चाबी यदि ताला खोलती है तो चाबी ताले को बंद भी करती है। यदि आपने इस शरीर का मिसयूज किया, गलत जगह पर लगाया अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना टाइम, तो आप ऐसे बंधन में पड़ोगे कि फिर कभी मुक्त ना हो पाओगे। ये मानव का शरीर है, इस शरीर को सही जगह पर लगाओ, चाबी सही जगह पर लगकर सही दिशा पर घूमेगी तब ना जाकर के वो ताला खुलेगा, हाँ या ना? इसलिए जब आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा और भगवान के इर्द गिर्द ही घूमेगा तब जाकर के आप मुक्त हो पाएंगे इस संसार के
ताले को खोल पाएंगे, मोक्ष के ताले को खोल पाएंगे, वरना बंधन तो है ही। अच्छा सुनो, जंगल में एक घटना घटी, वो घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक शेरनी थी, उसका एक बेटा था शावक। शेरनी का बेटा बढ़िया शेर हुआ। एक दिन शेरनी शिकार करने गई तो रास्ते में उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया, जिसकी माँ बिल्कुल अभी अभी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही वो गीदड़ी मर गई, और जो गीदड़ का बच्चा था वो अपनी माँ के आसपास घूम रहा था। तो शेरनी को दया आई और शेरनी ने उस गीदड़ी के बच्चे को उठाया और अपनी गुफा पर ले आई और उसे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ये सोचने लगा कि मैं भी शेर का ही बच्चा हूं, क्योंकि दूध उसी शेरनी का पिया। अब शेरनी का भी अपना एक शावक था और गीदड़ का भी एक बच्चा था, ये दोनों एक ही माँ का दूध पीते, एक साथ सोते, एक साथ रहते, एक साथ खाते। अब दोनों जवान हो गए, शेर का बच्चा भी जवान शेर हो गया और गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध तो पिए ही था, मस्त हो गया, दोनों जवान हो गए। एक दिन शेरनी ने देखा कि उसके एरिया में एक हाथी के झुंड ने अटैक कर दिया है। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से बोला, जा जरा हाथियों को भगा कर आ। गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मैं भी जाऊं? शेरनी ने मना किया, हाथी तेरे से ना भगेगा, तू यहीं रह। ना माँ मैं जाऊंगा, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। अच्छा, शेरनी ने उसे कभी ये नहीं बताया कि तेरी माँ बचपन में मर गई थी, कभी नहीं बताया। अब शेरनी का दूध पीने वाला गीदड़ जवानी में उमंग से भरा हुआ बोले, मैं भी जाऊंगा, चला हाथी के पास जाकर गुर्राया। हाथी ने कहा, गीदड़ आया है? हाथी ने सूंड से उठाकर जो पटका, गीदड़ नस नस ढीली पड़ गई, लंगड़ाता हुआ आया। पर जो शेर का बच्चा था उसने हाथियों के झुंड को भगा दिया। जब शेर के बच्चे ने भगाया तो उसने कहा, देखा मेरा बल। तो गीदड़ के बच्चे को बड़ा बुरा लगा, उसने आकर अपनी माँ से कहा, माँ मेरे भाई ने तो हाथियों को भगा दिया लेकिन मैं लड़ नहीं पाया उन हाथियों से, क्यों माँ? आखिर मैं भी तो तेरा बेटा हूं। तब उस शेरनी ने जो कहा वो आप सब ध्यान से सुनिए। उस शेरनी ने कहा कि बेटा, तूने दूध तो मेरा पिया है पर तुम हो गीदड़ की संतान, और आज तक के इतिहास में कभी हाथी का शिकार गीदड़ ने नहीं किया, हाथी का शिकार जब जब हुआ है शेर ने ही किया है। हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं। तूने दूध मेरा पिया बात अलग, पर है तो गीदड़ का बच्चा। उसी तरह जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं, ऐसे 84 लाख योनियों में भगवान का शिकार केवल मनुष्य कर सकता है। अर्थात भगवान को केवल मनुष्य पा सकता है, मनुष्य शरीर से पाया जा सकता है। अन्य 84 लाख योनियों में किसी शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके इस कली काल में। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर बड़ा भाग्य से प्राप्त हुआ, इस शरीर को पाकर उस परमात्मा में मन जरूर लगाइए। हम काम करने का मना नहीं करते, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करते रहो, जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, पर मन प्रभु में वैसे ही लगा के रखो। अच्छा ये बताओ, एक स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, अभी जिसका विवाह हुआ है अभी अभी, वो जब ससुराल जाती है और ससुराल से मायके आती है तो मायके में आकर वो काम पूरा करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम, लेकिन वो काम करते हुए ना किसी को याद करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसको याद कर रही है? वो अपने मायके में आकर, माँ बाप के घर आकर, जब ससुराल से लड़की पहली बार अपने पति से मिलकर माँ बाप के घर आती है तो माँ बाप के यहाँ सारा काम करती है पर किसी को याद करती है, बताओ किसे?
जोर से, मैया ओ मेरी प्यारी माँ, आप लोग बताओ, इस तरफ वाली मैया बताएंगे, किसको याद करती है वो, किसको मेरी माँ, मैया किसको, माँ, अरे माँ के घर में तो है पगले, माँ के घर में ही तो है, हमने बताया क्या, ससुराल से मायके आई और माँ के पास, पर वो काम करते हुए किसी को याद करती है, किसे, जोर से, पति को। एक लड़की जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वो काम पूरा करती, झाड़ू लगाए, रोटी बनाए, पर पति को याद करती रहती है, हाँ या ना, जोर से। एक सामान्य लड़की काम करते हुए यदि अपने पति को याद रख सकती है, तो आप भक्त काम करते हुए भगवान को याद क्यों नहीं रख सकते, यही तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं है, भक्ति का अर्थ पति पत्नी बेटा बेटी को छोड़ना नहीं है, भक्ति का अर्थ है जहां हो वहीं से अपने प्रभु को याद करते रहो। कैसे, जैसे पत्नी काम करते, झाड़ू लगाते, रोटी बनाते, पति को याद, जैसे एक पति काम करता हुआ अपनी पत्नी को याद, जैसे एक माँ काम करते हुए अपने बेटे को याद करती रहती है, बेटे का स्मरण बनाए रखती है, ऐसे काम सारे करो पर कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण बना रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, एक बार बोलो मेरे संग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को याद करना ही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और भगवान को भूल जाना ही अभाग्य दुर्भाग्य है। पूतना मौसी आई, भगवान ने आंखें बंद की, क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मन को सजाओ। क्या सजाओगे, मन को, मन साफ करो, निर्मल करो। शरीर हमारा काला गोरा कैसा भगवान जाने, मन निर्मल, मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को भगवान ने दूध पिया, पूतना के प्राणों का पान कर लिया, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की नहीं, यहां पकड़ा तो जाता है छोड़ा नहीं जाता। भगवान भक्त को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। पूतना को पकड़कर प्राणों का पान कर लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना के शरीर को नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, चिताओं पर जलाया, परम गति पूतना की हुई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान गए तो रत्नमाला ने कहा, ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, जरूर। और जब बामन भगवान ने तीन पग में सब नापा तो बोली पूतना, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा, तथास्तु, आज वो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक साथ दोनों वचनों को भगवान ने पूरा किया। वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान के हाथों मोक्ष को प्राप्त होती है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना एक सुंदर कार्य करती है, भगवान की शरण में आ गई, यही उसका सुंदर कार्य, और भगवान ने कृतार्थ कर दिया। इसके बाद भगवान करवट बदले तो उत्सव हुआ, शकटा सुराया तृणावर्ताया। भगवान अभी छोटे से हैं कि भगवान को मारने कंस ने नाना प्रकार के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। कभी शकटासुर छकड़ा बनकर छकड़े के ऊपर जाकर बैठता है, भगवान मारते हैं। कभी तृणावर्त बवंडर बनकर आता है, भगवान मारते हैं। ऐसे दुष्टों को मारते हुए भगवान की लीला चालू है कि तभी भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं मेरी मां? जोर से, 16।
और संस्कार जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। संस्कार बिना व्यक्ति शोभा नहीं पाता, संस्कारहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, श्रृंगार कितना बढ़िया हो, पर नाक काट ली जाए उसकी तो उसके श्रृंगार की शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी सुंदर हैं, पर आप संस्कारहीन हैं तो आप अशोभनीय हैं, आपकी शोभा नहीं होगी। संस्कार आपकी नाक है। संस्कारवान बनो और बच्चों को बनाओ। प्रिय भक्तों, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार, आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी हानि क्या हुई पता है? आज मां बाप ने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। आपके बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में आए तो मोबाइल देख रहे हैं, मॉल, आप संडे की छुट्टी आई, आप अपने बच्चों को लेके पार्क में, मॉलों में जाकर शॉपिंग करा रहे हैं। अब ये बताओ कि बच्चों को संस्कार आप कब देते हैं? कब आपके पास समय है बच्चों को संस्कार देने का? और संस्कार ना बताकर नहीं दिया जाएगा, आचरण में उतार कर दिया जाएगा। संस्कार बहुत आवश्यक है। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, एडवोकेट, जज बनाइएगा, पायलट बनाइएगा, हर बड़े से बड़े पद में बिठाइएगा, लेकिन बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने के पहले एक संस्कारवान बेटा और संस्कारवान बेटी बनाइएगा। संस्कार इतने आवश्यक हैं, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें गिलास और पानी नहीं देगा, लिख लो। संस्कार दोगे तो ही तुम्हारी औलाद तुम्हें सम्मान से रोटी देगी, सम्मान से पानी देगा। बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान वही करेगा जिसे तुमने संस्कार दिया है। संस्कार देना भूल गए और संपत्ति दे दी तो संपत्ति देना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चों को ही मिलनी है। मरने के बाद तो सारा रुपया पैसा बच्चे को ही मिलेगा तुम्हारा, जीते जी संस्कार दे देना। संस्कार नहीं दे पाए तो आपका सारा रुपया पैसा जमीन जायदाद देना व्यर्थ चला गया। ज्यादा संस्कार मत दो, इतना तो दो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान करे बुढ़ापे में, मतलब अपने मां बाप का सम्मान करे, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, सम्मान से रोटी दे, सम्मान से पानी दे। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी ना परोसने लग जाए, घर से निकाल ना बाहर करे, संस्कार दीजिए। आज समाज की सबसे बड़ी क्षति क्या है? आज कोई भी, कोई मतलब बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं दे रहे, ख्याल ही नहीं। बेटा कहीं भी जा रहा है, दिन भर बच्चे मोबाइल चलाना गलत नहीं है, उतना जितनी जरूरत है। मोबाइल में अच्छी चीज सर्च करना, अच्छी चीजें देखना बहुत अच्छी बात है, पर मोबाइल में बुरी चीजें देखना बहुत बुरी बात है। और आजकल के बच्चे अच्छी चीजें कम सर्च करते हैं, बुरी चीजें ज्यादा सर्च करते हैं मोबाइलों में। कैसे आप रोकेंगे अपने बच्चों को? इसका एक ही उपाय है, संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो, जिम्मेदार बना दो, इसके बाद बच्चों को आजाद छोड़ दो। संस्कारी व्यक्ति जहां जाएगा, देखो एक बाल्टी पानी भरो आप, और एक बाल्टी पानी में आप एक तोला सोना डाल दो और एक तोला लोहा डाल दो,
और साल दो साल बाद दोनों को आप तलाशो, बाल्टी में पानी भरते रहो कंटिन्यू, और एक साल बाद आप तलाशेंगे उस बाल्टी में कि मेरा लोहा कहाँ है और मेरा सोना कहाँ है, तो बताओ बाल्टी में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, उत्तर दो। सोना नहीं मिलेगा या मिलेगा? सोना एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, दस साल बाद भी उस बाल्टी में जस की तस मिलेगा, लेकिन लोहा, लोहा क्या हो जाएगा? गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, हाँ या ना? लेकिन सोना ना तो उसकी चमक कम होगी, ना तो उसकी कीमत कम होगी। आप सैकड़ों साल बाल्टी में डाल दो, पानी में डाल दो, बस यही बात समझने की है कि आपके बच्चों को यदि आपने संस्कार दे दिया तब तो आपके बच्चे संस्कार पाकर सोना बन गए, और नहीं दिया तो लोहा रहे। और पानी क्या है? समाज का कुसंग ही पानी है। संसार के कुसंग रूपी बाल्टी के पानी में जब आपकी संतान जाएगी, सोना बनकर जाएगी, तो समाज के कुसंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चे यदि संस्कार नहीं पाए तो समाज का कुसंग आपके बच्चों के अस्तित्व को वैसे ही समाप्त कर देगा जैसे पानी लोहे के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। संस्कार आवश्यक है या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैं? कैसे संस्कार? कैसे संस्कार? आजकल माँ बाप क्या कहते, बेटा बस कमा के खा लो, पेट भर लो अपना, जैसे पैसा आए कमाओ ना, ऐसे ना कहना मेरी माँ। आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि बेटा केवल पैसा कमाओ, ना, उनको ये कहो साथ में, बेटा पैसा कमाओ पर धर्म और ईमानदारी से पैसा कमाओ। ये कहना आप भूल जाती हो मेरी माँ, बेटा पैसा कमाओ कैसे भी, तो तुम्हारा बेटा चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, गलत काम करके पैसा कमाता है, ये पैसा तुम्हारा सर्वनाश करेगा, मेहनत ईमानदारी से। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, ईमानदारी से। ईमानदारी की नमक रोटियां खाओ साहब, पर बेईमानी का छप्पन भोग खाने से बचो। और अपने बेटे को कितना भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना, पर कुछ भी बनाने के पहले सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान बनाना, ईमानदार। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, पर कैसा, कैसा संस्कार देंगे? केवल पेट भरू संस्कार, बेटा कमा के खाओ बस खाओ ना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी खा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं और आपने भी भरा, तो क्या बड़ी बात की? बच्चों को ऐसा बनाओ बेटा तुम समाज के काम आओ। अच्छा ये बताओ, आप यहां सब पढ़े लिखे हैं ना, बताओ आपकी पढ़ाई से आपके समाज का क्या फायदा हुआ? उत्तर पर इतना उत्तर दो। चलो समाज का छोड़ो, आपकी पढ़ाई से आपके परिवार का, आपकी समाज का, आपकी सोसाइटी का, आपके राज्य का, आपके देश का क्या फायदा हुआ? बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। नितिन, जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्रियां हैं, सवाल है बताओ, आपकी पढ़ाई से आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को क्या प्राप्त हुआ? अब यही सवाल आप हमसे पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आपकी पढ़ाई से आपके समाज को, आपके राष्ट्र को क्या लाभ हुआ? तो मेरा हिसाब लो, मैं तो अपना हिसाब बिल्कुल चकाचक रखता हूं। मेरी पढ़ाई का हिसाब लो, मैं दसवीं तक पढ़ा हूं, उसके बाद मैंने संस्कृत में भागवत जी की पढ़ाई की, स्कूली पढ़ाई छोड़कर गुरुकुलों की पढ़ाई मैंने की, दसवीं के बाद मैंने संस्कृत की पढ़ाई की,
भागवत जी पढ़ा, गुरु चरणों में बैठकर जो बना वेद पुराणों का रहस्य समझा, गीता पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, उपनिषद पढ़े, जो जो मेरे से बन पड़ा मैंने पढ़ा। और केवल पढ़ा नहीं, वो पढ़ाई केवल मेरा काम नहीं कर रही है, उस पढ़ाई के बल पर आज 273 माताओं के चरण दबाने की सेवा करता हूं। मेरी पढ़ाई उन बेसहारा माओं के काम आई जिन माओ को उनके पढ़े लिखे बेटों ने घर से निकाल दिया था। मेरी पढ़ाई के काम आई जो कोरोना काल में गैस सिलेंडर खत्म हो गया, घर का आटा दाल चावल खत्म हो गया, उन सभी के लिए गौरी गोपाल भगवान में जो अन्य क्षेत्र की सेवा चलती, रसोई की सेवा चलती, हजारों भूखे प्यासे जरूरतमंदों ने आकर कोरोना काल से, आज 2019 में कोरोना आया, लगभग 19 के आखिरी 20 के स्टार्ट, आज 2024 आ गया, अखंड 4 साल से गौरी गोपाल भगवान की रसोई की सेवा चल रही, 12 महीने चल रही, हजारों लोग आकर प्रसाद पाते हैं। मेरी शिक्षा काम आई समाज के, कि किसी को रोटी दे पाया, किसी भूखे को रोटी देकर उसकी भूख मिटा पाया, मेरी शिक्षा काम आई। और सुनो, मैं पढ़ा जितना मेरे से बना, आप लोगों से बहुत कम पढ़ा हूं मैं, मेरे पास डिग्रियां 10वीं तक की डिग्री है मेरे पास, उसके बाद संस्कृत की डिग्रियां हैं, संस्कृत की भागवत जी की कथा है, डिग्री क्या है, प्रत्यक्ष हूं जो हूं मैं आपके सामने। उसके बाद जो मैंने पढ़ा उससे क्या हुआ, एक समाज का, देखिए मेरी पढ़ाई से मेरा भला कितना हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी पढ़ाई से मेरे देश का बहुत भला हुआ। हजारों बेटा अपनी माओ के पांव दबाने सीख गए। ये दास अनिरुद्ध जब माओ के पांव दबाता है ना, तो आपके बेटे को भी लगता है कि मुझे भी पांव दबाना चाहिए, अपनी माँ को, माँ की सेवा करनी चाहिए। और समाज बदला है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अनिरुद्धाचार्य को देखकर बहुत बच्चों ने माँ बाप की सेवा स्टार्ट की, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं। सुनिए, मेरी शिक्षा से आज वृंदावन में एक गौरी गोपाल गुरुकुल है, आप आना मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं कहता हूं ना हवा में नहीं कहता साहब, जितना करता हूं उतना ही बोलता हूं, उससे ज्यादा बोलता नहीं हूं। गौरी गोपाल आश्रम में आना, वहां एक विद्यालय है गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां 104 बच्चे हैं। उस गुरुकुल में सारे बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ा तो मेरे ऊपर गुरुजनों का ऋण था, मुझे लगा वो ऋण कैसे उतरेगा, बच्चों को पढ़ाऊं। तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 104 बच्चे हैं, जिन बच्चों से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया गया, निःशुल्क उनका रहना खाना, उनको कपड़े लत्ते, उनकी पुस्तकें, उनकी पढ़ाई शिक्षा, सब कुछ पढ़ाने तक की शिक्षा सब फ्री है, और 104 बच्चे वहां पढ़ते हैं गुरुकुल में, वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और आपस में संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो संस्कृत में बात करेंगे, और वो भी उस विद्यालय से निकलकर आप समाज की सेवा करेंगे। तो मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई से समाज को, देश को लाभ मिला कि नहीं? गौरी गोपाल गौशाला जहां गायों की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र, आपसे इसलिए तो कहता हूं कि एक बार ये सवाल अपने आप से पूछो, पढ़ाई करके केवल बेटा बेटी का पेट भरना बड़ी बात नहीं है साहब, ये तो कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। साहब ऐसी पढ़ाई ना पढ़ना कि केवल आपके काम आए, ऐसी पढ़ाई पढ़ना जो देश के काम आए। हाँ या ना, कैसी पढ़ाई चाहिए आज, परिवार को काम आए ऐसी या देश के काम आए ऐसी? जोर से, छत्तीसगढ़ के काम आए, रायपुर के काम आए, आम जनमानस के काम आए, भारत माता के काम हम आप आए, हमें गर्व है इस बात का। ये अनिरुद्धाचार्य, हमें अनिरुद्धाचार्य को गर्व है इस बात का कि हम
माओं के काम आ सके, हम किसी के काम आ सके, किसी बेसहारा का सहारा बन सके, कोई बात नहीं। आप लोग भी पढ़ो लिखो खूब और खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर ये याद रखना कि आपकी एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है, और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, एक बार गौरी गोपाल आश्रम में आकर वहां की सेवाओं को देखो जरूर। जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है, अपनी आंखों से देखो जरूर। कौन कौन मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? आओगे ना? आना। और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भी संतों को भोजन कराओ, एक दिन सेवा आप भी अपनी ओर से। बेटी का जन्मदिन आया तो संतों को भोग लगाओ, बेटे का जन्मदिन आया संतों का आशीर्वाद दिलवाओ और संतों की सेवा करो, भोग लगाओ संतों को। रसोई सेवा में आप भी हिस्सेदारी लो और एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ, अपनी ओर से बंटवाओ। एक मां का सहारा बनो। गौरी गोपाल आश्रम में 1000 वृद्ध माओ के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है, आप सब सहयोगी बने। आज हमारी एक मैया आई बूढ़ी सी और उन्होंने कहा, स्वर्गीय श्री लेडलू यादव जी, सुनील यादव जी भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, केवराबाई यादव जी भिलाई से, आपने एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओ को समर्पित किया और माओ को गोद लेकर 42,000 रुपए का सहयोग किया। एक कमरा अपनी ओर से बनवाया माओ के लिए, माओ को गोद लिया कि मैं भी माँ को रोटी देना चाहूंगी। आप भी किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिए, किसी को रोटी देकर अन्न दान की सेवा से जुड़िए और अपने बच्चों को इतने संस्कार दो कि वो किसी के काम आए। तो बताओ ये दास अनिरुद्ध की शिक्षा समाज के काम आ रही है या नहीं? हाँ या ना, उत्तर दो। आ रही है तो हाथ उठा के बताओ। हम समाज पर बोझ ना बने, यदि हम किसी के काम नहीं आए तो हम बोझ हैं या नहीं? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को इतना ईमानदार बनाओ, इतना राष्ट्रभक्त बनाओ, इतना राष्ट्र प्रेमी बनाओ, अपने परिवार के लिए ही नहीं, वो जो करें इस भाव से करें कि मैं देश के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। समझ रहे मेरे नौजवान दोस्तों? और आप लोगों की एक बहुत बड़ी जो कमी है उसे खारिज करो, समाप्त करो। क्या आज मैंने सुना कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग दहेज लेते हैं? आपके छत्तीसगढ़ में दहेज लेने की प्रथा है या नहीं? हाँ या ना, जोर से है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो, बात खत्म। है दहेज लेना? क्यों? मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं आप लोगों से, विवाह करना चाहिए योग्य लड़की से, योग्य लड़के से, पर मांगना नहीं चाहिए। मांगना मतलब छोटा बनना, मांगे से मरना भला। मेरी फितरत में मानता हूं कि मांगना नहीं चाहिए। दहेज क्या मांगू? अरे मैं मांगता हूं वृद्ध माओं के लिए मांगता हूं, सबकी सेवा के लिए मांगता हूं, तो मेरा मांगना सही है, पर दहेज मांगना सही है? दहेज मांगना गलत है मेरी मां। मेरे नौजवान दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनना फिर आप अमल करना, अच्छी लगे तो फॉलो कर लो, मान लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सुनो, एक सर्कस था, उस सर्कस में बहुत सारे शेर थे। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि सारे सर्कस बंद कर दिए जाएं क्योंकि शेरों को आप टॉर्चर करते हैं। सारे शेरों को ले जाकर के जंगल का एक जो सर्कस का मालिक था उसने उसके सारे शेर, सारे मतलब 12 शेर थे उसके पास, 12 शेर को उसने जंगल में छोड़ दिया। एक महीने बाद पता लगा कि वो सारे जंगल के शेरों में से 8 शेर
को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेर का शिकार किसने कर लिया? जंगली कुत्तों ने। अब इस पर रिसर्च हुई, पता लगा कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया, तो पता लगा कि वो शेर सर्कस के शेर थे, वो जंगल में रहना, शिकार करना, शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। क्या है, सर्कस में बना बनाया मांस मिल जाता है, खा लेते हैं। अब जंगल में तो शेर को शिकार करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तो सर्कस में रहते रहते वो जंगल में शिकार करने का टैलेंट भूल गए, और कुत्तों को लगा कि भूखे मर ही रहे हैं, शेर पर अटैक करके देखते हैं, बेचारे जीत गए। अब आप बताओ कि आप कौन से शेर बनना पसंद करोगे, सर्कस का या जंगल का? जोर से, कौन सा शेर? सर्कस का शेर कौन है? सर्कस का शेर वो जो बाप के टुकड़ों पर पलता है और दहेज में ससुर के टुकड़ों पर पलता है, वो सर्कस का शेर है। दहेज लेने वाले ये सर्कस के शेर हैं, बना बनाया मिल गया, खा लिया। पर जंगल का शेर वो है जो अपनी थाली में रोटियों की तैयारी खुद करे, जो स्वयं कमाए, पसीना बहाए और अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा करे और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए और माँ बाप की खूब सेवा करे, वो लायक बेटा सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर है। अब आपकी मर्जी कि आप अपने आप को सर्कस का शेर बनाएं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा पैसा बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा बच्चों को अपाहिज बना देगा। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं मत दीजिएगा, वो सुख सुविधाएं आपके बच्चों को अपाहिज बना देगी, लंगड़ा बना देगी। बच्चों को दौड़ने दीजिए कांटों में, दौड़ने दीजिए जंगलों में, कमाने दीजिए उन्हें अपनी रोटियां, जब खुद कमा के खाएंगे, सिर का पसीना बहकर पांव में आएगा, तब पता चलेगा कि दो रोटी कैसे मिलती है, 10 रुपए की कीमत क्या होती है। बाप का मिल जाएगा तो उड़ा देंगे सुरा और सुंदरी में, उन्हें पता ही नहीं कि पैसे की वैल्यू क्या है। यदि आप अपने बेटों का भविष्य बनाना चाहते हो तो सोने को तपाना पड़ता है तब चमकता है। स्कूल कॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, रियल जो जिंदगी है इस जीवन में तपना जरूरी है। डिग्रियां काम नहीं आती, जब जीवन में उतरो दो रोटी कमाने के लिए तो डिग्रियां अपनी जगह ठीक हैं, पर रियल जिंदगी में रियल जीवन का अनुभव काम आता है, आपकी तपस्या काम आती है, तपना। इसलिए तपो, थोड़ा मेहनत करो और दो पैसे की कीमत समझो। सर्कस का शेर बनने से अच्छा है जंगल का शेर। सर्कस का शेर तो कुत्ते से भी बदतर होता है, क्यों जी? बंधन में शेर पड़ जाए तो शेर शेर कहां रह गया, वो तो कुत्ता हो गया। जो बाप के टुकड़ों पर पलने वाली औलादें हैं और जो दहेज के लिए मुंह फाड़ने वाले लोग हैं, ये सब उस सर्कस के शेर की तरह, मतलब कुत्तों की तरह जीवन जी रहे हैं। टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं साहब, वरना शेर तो अपना शिकार खुद करता है। यदि बाहम तो हमारा सिद्धांत, मेरा पर्सनल मानना है, आप इससे सहमत हो या ना हो, मेरा पर्सनल मानना है कि बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए, बाप की संपत्ति भी नहीं लेना चाहिए। मुझ में काबिलियत होगी तो मैं बाप से ज्यादा कमा कर दिखा सकता हूं। अपने आप को साबित करो साहब। आजकल के बच्चे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हो गए हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच करके वो गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। अरे शौक करने हैं तो अपने बल पर पूरे करो। गाड़ी चाहिए तो ससुर जी गाड़ी चाहिए दहेज में, हाँ मूर्ख कहीं का, ससुर से गाड़ी मांगते तुझे लाज नहीं आती, डूब मर चुल्लू भर पानी में।
गाड़ी में बैठने का शौक है तो भीख की गाड़ी में क्यों? अरे अपनी मेहनत के बल पर कमाओ और उस गाड़ी में बैठो। ससुर ने गाड़ी दे दी, आप चला रहे हो तो आप तो ड्राइवर हो, मालिक तो ससुर है तुम्हारा, तो ड्राइवर ही क्यों बनना? पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं क्यों? तुम्हारे पानी भर गया आंतों में क्या, अतड़ियों में खून नहीं रहा? मेहनत करो साहब, और अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंड बनाना, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ससुर से भी क्यों मांगू मैं, बाप से भी क्यों मांगू मैं? क्या मेरे शरीर में खून नहीं है? क्या मेरी भुजाओं में बल नहीं है? क्या मेरे पास बुद्धि और अक्कल नहीं है? मैं भूखा रहूंगा पर मांगूंगा नहीं किसी से। मेरा पर्सनल मानना है कि मांगे से, संत भी कहते हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सदगुरु की सीख। एक लड़की का विवाह हो रहा था, बारात गई, लड़के ने मंडप के नीचे शर्त रख दी, मुझे तो गाड़ी चाहिए। लड़की का बाप बेचारा परेशान हुआ, दामाद जी बात तो हुई नहीं थी, कहां से लाऊं? कहीं से लाओ, मुझे गाड़ी चाहिए तब मैं विवाह करूंगा, तब नहीं तो नहीं करूंगा। अब बेचारा लड़की का बाप, एक ही बेटी थी, एक बेटा भी था, लड़की का जीवन ना बिगड़े, बेचारे बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया, और गिरवी रख के 10-8 लाख जो भी मिले उसे, 12 लाख उसकी गाड़ी खरीद कर सवेरे दहेज में दे दिया। वो लड़का बड़ा खुश था, गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। पत्नी को बिठाया, जा रहा तेज, गाड़ी चला रहा, पत्नी बोली धीरे चलाओ धीरे चलाओ, दहेज की गाड़ी में तो आदमी ऐसी चलाता है। पत्नी बोली धीरे चलो। आगे एक अपाहिज लंगड़ा सड़क क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था, इसकी गाड़ी बड़ी तेज थी, ब्रेक मारा, घिसटती हुई गाड़ी जाके उस अपाहिज से चिपक के खड़ी हो गई। इसने गुस्से में गाड़ी से उतर कर बोला, क्यों रे देख कर नहीं चलते? अभी तुमसे गाड़ी टकरा जाती, एक्सीडेंट हो जाता, तुम भिखारी कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भीख मांगते भीख मांगते भीख मांगते। पत्नी उतर के आई, उस भिखारी को 100 रुपए दिया, भाई आप जाओ। उसके पति ने बिगड़ते हुए बोला, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, कमा कर खा नहीं सकता क्या? तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए बोला अपने पति से, सुनो जी ये तो अपाहिज है, ये तो लंगड़ा है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी तो मेरे बाप से भीख मांगी कि नहीं, गाड़ी दे दो। क्या इन भिखारियों का ही भीख मांगना है क्या? क्या आप जैसे भिखमंगों का दहेज मांगना ये भीख मांगना नहीं है? बोलो, दहेज मांगना ये भीख मांगना है या नहीं? कितने लोग इसे भीख मांगना मानते हैं? अरे लड़की का बाप अपनी इच्छा से दे दे तो रख लो, मना नहीं है, पर मांगे से मरना भला? दहेज मांगना मतलब भीख मांगना है। एक भिखारी वो है जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, और ये जो दहेज मांगते ये भिखारी नहीं, ये तो भिखमंगे हैं। कौन है ये? जोर से। तो आप लोगों में कितने भिखमंगे हैं? कितनों ने लिया है? यदि लिए हो तो बाहर ये लिखवाना जरूर, भिखमंगे का घर यही है। और आज से प्रतिज्ञा करना, योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़का लाओ, और अपनी औलाद अपने बच्चों को इतना लायक बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं कि अपने बेटे को लायक इतना बनाओ कि मांगना ना पड़े? उठा लो हाथ। तो आज से जितने लोग यहां सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, दहेज जैसी बीमारी से बचिएगा। और मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके बाप से बात नहीं करता, तुम्हारा बाप लालची हो सकता है, मैं आपसे बात करता हूं, तुम पढ़े लिखे हो, आज के युवा हो,
तुम्हें क्यों दहेज चाहिए? तुम्हें योग्य लड़की चाहिए ना, शादी करो और मेहनत करो। पुरानी बातें भूल जाओ, बाप दहेज मांगता है तो बाप से बोल दो पिताजी दहेज ना लो, और संस्कारी बनो। भगवान संस्कारवान है, भगवान को देखने के लिए शंकर जी भी आए। भगवान मैया की गोदी में है, शंकर जी कह रहे हैं आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। एक बार मेरे संग बोलो सब लोग, कन्हैया को अपनी गोद में कौन कौन बिठाना चाहता है? अभी हमारे रामलला कितने साल के हैं? कितने साल के रामलला की प्रतिष्ठा हुई? 5 वर्ष के रामलला है ना, तो 5 वर्ष के बच्चे को गोद में बिठाना कौन कौन चाहता है? तो ये भाव बनाओ, रामलला से बोलो आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको दुलार लूं, अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं, आ बैठ मेरी गोदी में। मैया कह रही, शंकर जी कह रहे मैया एक बार मेरी गोदी में। सब लोग भाव बनाओ कि हम कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाकर उन्हें झूला झूला रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। आओ बड़े प्रेम से, आ बैठ मेरी गोदी में, 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 तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, लग जाए तेरी नजर उतार लो, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, आंचल में छिप जा लाड़ले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, आंचल में छिप जा लाड़ले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। तेरे मोटे मोटे तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, हो तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, मैं आनंद में आ जाती
जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, मैं आनंद में आ जाती, जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूँ हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूँ। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूँ हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूँ। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। सांवरिया तेरे दर्शन को भोले भी आ गए, भोले भी आ गए, सांवरिया तेरे दर्शन को भोले भी आ गए, भोले भी आ गए। टीका लगा दूं स्याही का मेरा मनवा ये कहे, मेरा मनवा ये कहे, हो टीका लगा दूं स्याही का मेरा मनवा ये कहे, मेरा मनवा ये कहे। दर्शन कर नरभागी में, दर्शन कर नरभागी में, जीवन सवार लो हाय नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो हाय नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो हाय नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लो। अच्छा भगवान कितने सुंदर है ना। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार, श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार, श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, तो मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता, तो मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार, श्याम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघरारे, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, पीला पीताम्बर कांध पे सोहे, पीला पीताम्बर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है, वाह वाह क्या बात 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 है। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहाल लूं हाय नजर।
लग जाए मेरी नजर उतार लो। आवे तेरी गोदी में, आवे गोदी में तुझको निहार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आवे तेरी गोदी में, आवे तेरी गोदी में, आवे तेरी गोदी में, आवे तेरी गोदी में। इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो कन्हैया, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का चेहरा, बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो रघुनंदन, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे राम लला का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कितना प्यारा है सिंगार तेरी, ले ओ नजर उतार। कितना प्यारा है, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ भगवान बड़े सुंदर हैं। वाह, भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, यशोदा ये आपके पुत्र का नाम कृष्ण होगा और रोहिणी आपके पुत्र का नाम बलराम होगा। भगवान थोड़ी बड़े हुए और लीलाएं करने लगे, जिसे बाल लीला कहते हैं। जब भगवान बड़े हुए ना तो बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ जाते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए ना तो भगवान कहने लगे, मोहन मैया मैया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपनी मां को क्या बोलते हैं? मैया, ओ मेरी मां, मैया सुन रही हो ना मां। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा को क्या बोलते हैं? मैया। एक बार आप सब बोलो मैया। तो आप लोग अपनी मां को क्या बोलते हो? मम्मी। बहुत लोग मम्मी बोलते हैं, आप अपनी मां को क्या बोलते हो? मम्मी। अच्छा, मम्मी सही है या मां या मैया, क्या सही है? मां भी सही है, मैया भी सही है, माता जी भी सही है, लेकिन मम्मी गलत है।
मम्मी मरी हुई स्त्री या मरा हुआ पुरुष को जो मर जाए ना उसकी बॉडी खराब ना हो तेल में डुबा के रखते हैं उसे मम्मी कहते हैं। आपकी माँ जिंदा है और आप उसे मारे डाल रहे हो मम्मी मम्मी कह के। मम्मी नहीं, भारतीय परंपरा मम्मी की नहीं, भारतीय परंपरा माँ की रही है। माँ गाय का बछड़ा भी माँ ही बोलता है। माँ गाय का बछड़ा भी कैसे रमाता है? माँ ऐसे रमाता है तो वो भी अपनी माँ को माँ ही बोलता है। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं यशोदा मैया को? मैया। तो आज से आप लोग मम्मी नहीं बोलेंगे, मैया बोलेंगे या माँ बोलेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो एक बार बोलो अपनी माँ को, मैया मैया रोटी दे दे, मैया मैया सब्जी दे दे, मैया मैया कपड़े दे दे, मैया जो भी बोलो मैया मैया। कैसे बोलोगे? मैया मैया। सुन रही हो मेरी माँ? आप भी अपने बच्चों को मैया कहना सिखाओ, मम्मी कहना ना सिखाया करो। मम्मी नहीं मैया। मैया ओ मैया, ऑरेंज मैया, टाटा, किसको बुला रही हो मेरी माँ? हाँ सुनो मेरी माँ। और पापा को पापा नहीं, आप अपने पिता को क्या बोलते हो? हाँ मम्मी बाबूजी, ठीक है बाबूजी। पापा कौन कौन बोलते हैं? पापा का मतलब बताओ आप। हाँ पापा एक प्रकार की गाली है जो हर बेटा अपने बाप को देता है दिन में 20 बार। पापा एक प्रकार की गाली है। मैं एक चौपाई बोल रहा हूं उसका अर्थ करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसमें भी एक पापा अर्थ पापा शब्द आया। अब सुनो, कलियुग का यह परम प्रतापा, बोलो कलियुग का यह, जोर से मेरी माँ, भैया कलियुग का यह, बोलो कलियुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, आ गए आपके पापा। कलियुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां भी पापा शब्द आया है पर यहां पापा शब्द का अर्थ है पाप। पापा मतलब होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है कि पाप है कन्फर्म करके बताओ। कुछ भी क्यों, भेड़िया धसान क्यों चलते हो आप लोग? एक भेड़ कुएं में गिरा सारे गिर गए, एक ने पापा बोला, अरे अर्थ तो समझो। भारतीय हो पढ़े लिखे हो, हर शब्द का अर्थ होता है, होता है कि नहीं? तो अर्थ समझो, पापा मतलब पाप, पिताजी, पिताजी सही है, बाबूजी सही है ना, पापा सही नहीं है। बाबा, भगवान कृष्ण बाबा बोलते हैं, नंद बाबा को बाबा। तो आज से आप क्या बोलेंगे? पापा ही बोलोगे, पिताजी। कितने लोग आज से अपने बाप को पिताजी बोलेंगे? पापा मतलब गाली, जितनी बार तुम पापा बोलते हो उतनी गाली। क्यों रे पाप कैसा है? पाप, पापा मतलब। अब आपकी मात्रा हटेगी तो पाप ही रह जाएगा, और पापा में मात्रा भी लग गई तो पापा का मतलब भी पाप ही है। दो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार बोल रहे हैं हम। अब आप जानो, आप लोग ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उचित। जो जो हमारे राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। कौशल्या मैया को माताजी। हमारे भारत में आई स्त्री मां को आई भी बोलते हैं, आई बाबा। महाराष्ट्र में आई बाबा बोलते हैं।
तो बाबा अच्छा है, पिताजी अच्छा है, माँ अच्छी है, मैया अच्छी है, मम्मी पापा आज से डिलीट कर दो अपनी डिक्शनरी से। कितने लोग डिलीट मार देंगे, और आज से कितनी स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सारी मैया बोलेंगी। कौन बोलेगा मैया? मैया बोलना ठीक। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हुए और भगवान ने बाल लीला स्टार्ट की। थोड़ा बड़े होके भगवान लीला कर रहे हैं, बछड़ों बछड़ों के साथ भगवान घूम रहे हैं, और घर में ही भगवान माखन निकाल के खा रहे। थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चले, फिर बड़े खड़े होकर चले, फिर खेल रहे हैं। भगवान सारे वो काम करते हैं जो एक बच्चा करता है। बड़े प्रेम से भगवान घर में खेल रहे हैं, आनंद से खेलते हुए अपने कार्य कर रहे। एक दिन मटके में हाथ डालकर भगवान ने मक्खन का स्वाद लिया। मैया बोली, चौरे लाला तेरे हाथ में मक्खन कहां से आए गयो? मैया तू क्या बताए, मैं कोई चोरी करूं का? अरे लाला मैं चोरी कब कहूं तो को कि तू चोरी करे, पर लाला यू बता तेरे हाथ में माखन कहे? अरे मैया तेने बड़े बड़े जो रत्न पहना रखे ना हमारी उंगली में, बड़े गर्म है जाए तो मैं ठंडे करवे की ताई या मटके में हाथ डाल के आपको ठंडो करू। मैया बोली, दारी को तू है बड़ो चतुर। तब तक गोपियां आ गई, अरे मैया, ओ यशोदा, का है गौ सकी, काय गला फाड़ रही है सवेरे सवेरे? अरे मैया तेरे छोरा की करतूत सुनाए वे कुआयू, का क्यों हमारे छोरा ने? अरे मैया या के बारे में मत पूछियो, हमारे घर में आए के दारी के ने का क्यों के मारी बिटिया सो रही थी, या दारी के ने जाए के बाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और कान में जाए के बोल दी हुआ? तेरे लाला ने का क्यों के मारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और कान में बोलो हुआ, और हुआ सुन के बिटिया भागी तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई, और जब कसी तो बिटिया को लगा मारे को हुआ ने पकड़ लियो। अरे मैया बचियो, हुआ ने पकड़ लियो, जोर लगायो तो मैया बाकी आधी चुटिया पटिया में रह गई, आधी खोपड़ी में रह गई, गंजी है गई। अब तू ही बता के मैया मेरी छोरी से ब्याह कौन करेगो? चुपके से कन्हैया बोले, सकी तू काय को चिंता करे, मैं बैठे हूं सबन को खसम। ऐसो ऐसी लीला करें कि नहीं यार? एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने वत्सान मुंचन कुजत समय क्रोस संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। अरे मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो, वत्सान मुंचन कुजत समय, आज समय में बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, सारा दूध जाके बछड़े पी लिए। मैया बोली, तो लाला ने बछड़ा खोल दियो, तुम जाके गैया दोह लेती? अरे मैया ऐसे समय में खोला जब गैया दोहवे को समय ना आए, सारो दूध बछड़ों ने पी लिया, अब बता हम क्या करें? मैया बोली, चौरे लाला तेने बछड़े खोले? अरे मैया ये बड़ी कंजूस गोपी है, सारो दूध पी ले खुद लगाए, बछड़ों को एक रत्ती ना पिलाए, बछड़ों को एक छिपनी ना पिलाए। छिपनी कौन कौन जानता है? जरा से दूध को छिपनी भर, इतना सा भी दूध नहीं पिलाया, सारा दूध दोह लिया। अब सखियां बोली, मैया मैया यशोदा बोली, हमारो लाला गलती क्यों करो तो डांट दियो करो। अरे मैया जब हम आपको डांटे ना तो हमारी तरफ देख के ही करके हंसे, या की मुस्कान देख के मैया हम सारो गुस्सा भूल जाए, ना जाने कौन सो जादू है तेरे छोरा की मुस्कान में हम सारो गुस्सा भूल जाए। एक सखी बोली, मैया हमारे घर में आए के तेरे लाला ने गजब कर दियो, या दारी के ने बोलो गांव में बड़े बड़े साधु संत आए हैं, सबन के भोजन की ताई मक्खन को चंदा दो। हम सबन ने माखन को एक एक मटका आपको दियो, और हमने बोला चौरे लाला बता साधु संत कहाँ बैठे हैं, उनको कहाँ तू बिठा के खवाए, हम उन सबन के दर्शन करेंगे। तो लाला जाए के और सारे बंदरन को मक्खन परोसतो नजर आए और बंदर मक्खन खाए, और मैं बोलूं चौरे लाला तेरे साधु संत कहाँ है, तो तेरो कन्हैया कह सकी तेरी आंखें फूट गई हैं तो कुछ दिखाई ना पड़े, यही तुम्हारे साधु संत हैं। मैया सारो मक्खन बंदरन को खवाए और कहे के साधु संत हैं, और कहे तो जाए के पिछले जन्म में तुम सबन ने खूब सेवा करी, या जन्म में चकाचक खाओ। ये त्रेता के बानर भालू द्वापर में मक्खन खा रहे है ना, त्रेता के बंदर है ये त्रेता के बंदर द्वापर में भी बंदर बनकर आए, भगवान के हाथ से मक्खन खा रहे हैं। भगवान गोपियां मटकी सिर पे रख के जाती हैं, सारी मटकियां तोड़ देती हैं, तोड़ देते हैं भगवान। ग्वाल वालों का गोला बना के गोपियों के घर में घुस के भगवान माखन निकाल के लौंदा बना के खाएं, ग्वाल वालों को खवाएं, और सखियां आए तो भाग जाएं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। अच्छा, भगवान माखन चोरी करते हैं,
ये माखन चोरी का तात्पर्य क्या है? माखन चोरी तो आप सबने सुनी होगी, ये चोरी का मतलब क्या है? क्या भगवान चोर हैं? हां या ना में उत्तर दो। क्या कृष्ण चोर हैं? हां या ना में उत्तर। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बताओ मेरी मां, क्या कृष्ण चोर हैं? जोर से, मैया कृष्ण चोर हैं क्या? भैया, ओ दादाजी, कृष्ण चोर हैं क्या? तो ये कृष्ण को चोर चोर क्यों कहते हैं? कृष्ण चोर हैं क्या? हां या ना? हां, कृष्ण सबसे बड़े चोर हैं। क्या चुराते हैं? अरे चित्त चुरा लेते हैं सबका, मन चुरा लेते हैं सबका, चित्त चोर हैं ये। क्या चुरा लेते हैं? चित्त। हम सबका चित्त चुरा लेते हैं। और ये माखन मतलब मन है, माखन मतलब निर्मल मन, मक्खन की तरह जिसका मन निर्मल कोमल है उसके निर्मल मन को भगवान चुरा लेते हैं, उसके मन का हरण कर लेते हैं। ये चित्त चोर है। ये कौन है? चित्त चोर। चित्त चोर है ये कन्हैया। भगवान ये दिव्य लीला करते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चोरे लाला तने माटी खाई है ना? मुंह खोल। आ, इतना सा मुंह खोला भगवान ने तो इतना सारा, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया। अब मैया घबराई, छोरा है कि भगवान है? मैया ने जो देखा मैया सब भूल गई। भगवान ने इतने से मुंह में ब्रह्मांड इसलिए दिखाया ताकि दुनिया वालों को बता सकें कि देखो हम माखन चोरी करते हैं, हमें चोर ना समझ लेना, हम वही ब्रह्म हैं जिसके मुख में संसार समाया है। वो तो लीला करने के लिए मनुष्य बनकर आए हैं और कृष्ण बनकर लीला कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए सुखदेव भगवान से, आखिर ये माता यशोदा ने पुण्य कौन सा किया है? कोई तो पुण्य होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव भगवान ने बताया कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, कौन थी? देखो, माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो गए? कई बार हमें जो दुख मिलता है वो इसी जन्म का नहीं होता, वो पिछले जन्म का प्रारब्ध भी होता है। आज छोटी सी चर्चा में आपको सुनाऊं माता सीता की। क्योंकि हम भगवान राम के ननिहाल, ये जो रायपुर है, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये कौशल्या माता की नगरी है, और हम ये माने कि यह छत्तीसगढ़ भी एक तीर्थ है जहां भगवान राम की मां का जन्म हुआ। हम कौशल्या मां की नगरी में बैठे हैं और इस धरती की सबसे श्रेष्ठ नारी माता कौशल्या है जिन्होंने राम को जन्म दिया। ऐसी माता कौशल्या की पावन नगरी में हम सब बैठ करके सुंदर सी कथा सुन रहे हैं। तो राम का वो सारा चरित्र सुने जिसको सुनने की आवश्यकता है। पिछले जन्म का हमारा पाप, पिछले जन्म का हमारा कर्म दंड हमारा पीछा इस जन्म में भी नहीं छोड़ता, इसलिए गलत कर्म ना करना रे बाबा, भोगना पड़ेगा। किसे भोगना पड़ा? बहुत बढ़िया सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। माता सीता और भगवान राम। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को क्यों वनवास भेजा जब वो गर्भवती थी? लोग कहते हैं माता सीता चरित्र, उनके चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, कोई कलंक ना लग जाए, इसलिए माता सीता को सम्मान राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। इसलिए कि सीता कितनी पवित्र है ये बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ही बताएंगे, क्योंकि राजा की बात कोई माने ना माने, महर्षि वाल्मीकि जैसे संतों की बात तो समाज मानती है। इसलिए संतों की कुटिया में कि ये बोल देंगे कि सीता पवित्र है तो ये दुनिया मान लेगी। इसलिए राम जी ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के यहां भेजा। अब आप एक
छोटी सी बात समझो, राम जी राजा थे, राम जी को सीता माता पर कोई किंतु परंतु नहीं था, राम जी को कोई संदेह नहीं था। राम जी को सीता माता पर कोई संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन ना राम जी सीता मां को त्याग देते। यदि राम को कोई डाउट था तो उसी दिन त्यागते, इतने दिन रहे क्यों साथ में? इसका मतलब सीता मां से राम जी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये समाज, ये दुनिया कुछ भी बोलती है साहब, कुछ भी। एक छोटी सी बात मैं आपसे यहां पूछ लूं, बताओ रावण ने सीता मां को चुराया ये बात सब जानते हैं कि नहीं? पर ये बात आप जानते हो या नहीं, रावण ने सीता मां को चुराया तो असली सीता मां को चुराया था या सीता मां के परछाई मतलब नकली सीता मां को चुराया था? असली सीता को चुराया या छाया सीता को चुराया? जोर से, ये बात क्या राम जी नहीं जानते थे? अच्छा, असली सीता कहां थी उस समय जब रावण ने छाया सीता चोरी की? उस समय असली सीता कहां थी? जोर से बेटा, कहां थी बताओ? अग्नि में। माता सीता से राम जी ने कहा कि मैं रावण को मारने की लीला कर रहा हूं, सीता तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो सीता मां अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता मां की जगह कौन आ गई? छाया नहीं, वेदवती। उस समय जो सीता मां का अभिनय कर रही थी वो माता वेदवती हैं। वेदवती नाम की एक स्त्री, ये उन दिनों की बात है जब रावण बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। एक बार रावण हिमालय गया और माता वेदवती एक सरोवर के तट पर तपस्या कर रही थी। माता वेदवती तपस्या कर रही थी कि हे ब्रह्मा जी, मैं राम की पत्नी बनूं, मैं राम की सीता मां की तरह ये पत्नी बनना चाहती थी माता वेदवती, राम से विवाह करना चाहती थी। तभी रावण पहुंच गया और माता वेदवती के बाल पकड़कर इसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम लंका चलने योग्य हो, तुम यहां क्या कर रही हो? तब माता वेदवती ने बाल छुड़ाकर श्राप दे दिया, रावण तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ स्पर्श किया, मर्जी के बिना स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी रावण, मैं। वही वेदवती छाया सीता बनकर आई, असली सीता अग्नि में वास कर रही थी, छाया सीता वेदवती माता बनकर आई और रावण ने जिन्हें चुराया वो तो वेदवती थी। और ये लीला किसकी थी? प्रभु राम की। तो राम को माता सीता पर कोई संदेह की कोई सवाल ही नहीं है। वेदवती को रावण ले गया और जब रावण को मारा तो आपने वहां पर एक बात सुनी होगी, सीता मां की अग्नि परीक्षा ली गई, आपने सुना होगा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता मैया की वापसी थी। तो वेदवती माता बोली कि हे प्रभु, मैं तो आपको पति बनाना चाहती हूं पर आप मुझे पत्नी रूप में कब स्वीकार करोगे? राम जी बोले, मैं इस युग में तो सीता का पति हूं पर कलयुग में मैं तुम्हारा पति बनूंगा, कलयुग में मैं तुम्हारा पति बनूंगा। वही राम इस कलयुग में वेदवती मां से विवाह करने आए। पता है आपको? नहीं तो सुनो, तिरुपति बालाजी का नाम कौन कौन जानता है? हां, कलयुग में भगवान राम, त्रेता के राम कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए और वही वेदवती जो प्रभु को पति बनाना चाहती थी वही पद्मावती बनकर आई और तिरुपति बालाजी का माता पद्मा जी से विवाह हुआ। यह कलयुग की घटना है। तिरुपति बालाजी, त्रिपति, त्रिपति मतलब तीन के पति। तिरुपति बालाजी कब आए?
जब आपने सुना होगा भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे लात मारा। एक बार भृगु जी ने आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनके छाती पर देखना पांव का निशान होगा, वो भृगु जी का लात है। जब भृगु जी ने लात मारा तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, बोले मैं चली, तुम मुझे लात मरवा रहे हो। गुस्सा होकर आई और तिरुमला पर्वत में जाकर के माता बैठ गई। आज भी दक्षिण में वो तिरुमला पर्वत है जहां तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तिरुमला पर्वत, तिरुपति बालाजी, ये देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये तिरुमला तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो वहां पर राधा, लक्ष्मी और पद्मावती, तीन के पति त्रिपति, बाद में तिरुपति बोला गया उन्हें। व्यंकटेश भगवान भी बोलते हैं। कौन भगवान? व्यंकटेश। तो तिरुपति बालाजी की, वो राम जी आए। अब मैं आगे पुनः आपको त्रेता में लेकर चलूं। तो राम जी को तो रत्ती भर संदेह नहीं था, माता सीता के कहने से राम जी ने माता सीता को संत जी की कुटिया में भेजा। और जब लवकुश हुए, जब लवकुश हुए तो आपने देखा ही कि लवकुश इतने बड़े धनुर्धर बने कि भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी को भी पराजित कर दिया। और यही माता सीता का सपना था और वो सपना माता सीता का पूरा हुआ। इतना बड़ा धनुर्धर, हनुमान जी जैसे मूर्छित पड़े हैं, हाँ या ना? तो लवकुश, हर माँ का ये सपना होना चाहिए, और सपना नहीं कोशिश, कि तुम्हारा बेटा सबसे श्रेष्ठ बने संस्कारों में, बल में, पराक्रम में, यश में। माता सीता ने बनाया, एक मां की भूमिका पूरी की माता सीता ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए और लव को श्रेष्ठ धनुर्धर बने, योद्धा बने छोटी सी आयु में। एक बार लवकुश गए और राम जी दरबार में बैठे, राम कथा सुनाए लवकुश, तो यूं ही कह दिया लवकुश ने, हम आपके पुत्र हैं। अब तो हाहाकार मच गया अयोध्या में, कोई बच्चा कह दे कि मैं आपका पुत्र हूं। राम जी बोले, जब तक सीता नहीं कहेंगी मैं स्वीकार नहीं करूंगा आपको। सीता मैया आई, महर्षि वाल्मीकि जी लेकर आए, और अब सीता मैया प्रमाण देने आई हैं कि समाज ने जो आरोप लगाया वो सही था या गलत था। माता सीता का अब ये वो अंतिम लीला, माता सीता ने पृथ्वी माँ से कहा, हे माँ, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने अपने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को मैंने स्वप्न में भी ना देखा हो, हे माँ, यदि मैं पवित्र हूं गंगा की तरह, यदि मैं पवित्र हूं अग्नि की तरह, तो हे माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। कि ये कहते ही पृथ्वी माँ फटी, एक दिव्य नारी पृथ्वी माता नारी रूप में प्रकट हुई, एक विमान लेकर आई, और सबके देखते देखते माता सीता उस विमान में बैठने के बाद बोली, प्रभु हर जन्म में मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी, आप जैसा पति चाहूंगी, और ये लवकुश आपके ही पुत्र हैं। ये कहकर माता पृथ्वी में समा गई, और जिन्होंने उंगलियां उठाई थी सबके मुंह बंद हो गए। सीता मैया चली गई। सीता मैया के जाने के बाद 2000 साल तक राम जी ने शासन किया। राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? 13000 वर्षों तक राम जी ने शासन किया है। कितने हजार वर्षों तक? जोर से। और भगवान कृष्ण का राज्य कितने साल तक था? कृष्ण का शासन, भगवान कृष्ण केवल 125 वर्ष धरा पर रहे और राम जी 13000 वर्षों तक धरा पर रहे। समझ में आई रही बात? तो सीता मां जब अग्नि में, पृथ्वी में समाई, उस समय राम जी के कार्यकाल का 11 वर्ष पूरा हो चुका था और वो 11वें वर्ष का अंतिम दिन था। फिर राम जी 2000 साल तक रहे। अब ये 2000 साल क्या थे वो भी मैं आपको 2000 साल का हिसाब देता हूं। और राम जी ने सीता मां को
क्यों विदा कर दिया। अब तो देखो सीता माँ पवित्र हैं, ये साबित हो चुका था, तो फिर सीता मैया पृथ्वी में समा क्यों गई, राम जी के साथ रानी बन के रही क्यों नहीं। ये सवाल उठता है ना कि जब आप पवित्र साबित हो चुकी हो, अब तो समाज उंगली नहीं उठाता ना, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया, पृथ्वी माँ ने कह दिया, तो अब आपको जाने की क्या जरूरत थी। तो क्यों चली गई माता सीता और राम जी 2000 साल तक अकेले क्यों रहे माता सीता के बिना, जबकि राम जी सीता मैया के साथ 11000 वर्षों तक रहे साथ में। केवल लवकुश के जन्म का वो आप 10-15 साल मान लो, 10-15 साल का वो टाइम पीरियड था जब राम जी ने सीता मैया को अलग किया, क्योंकि उस समय लवकुश की उम्र 8 साल ही थी और जिस समय सीता मैया गई उस समय गर्भवती थी, और जब लवकुश राम कथा सुनाए उस समय वो 8 साल के थे। तो आप बस ये मान लो कि सीता मैया 8-9 साल राम जी से दूर रही, सिर्फ 8-9 साल, समझ में आ गई ना बात। चलो अब वो 2000 साल क्या थे, तो इसकी कथा मैं आपको सुनाऊं। दशरथ जी की जब मृत्यु हुई, दशरथ जी हजारों साल तक राज्य किए, लेकिन दशरथ जी जब मरे तो दशरथ जी की मृत्यु से नहीं मरे, दशरथ जी ने राम के विरह में प्राण त्यागे। और जब दशरथ जी मरे उस समय दशरथ जी की 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र अभी शेष थी, जब रावण मरा तो राम जी ने रावण को मारा, तो देवता आए पुष्प बरसाने, उन देवताओं के साथ दशरथ जी भी आए थे। ये कितने लोग जानते हैं, वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण में यह बात स्पष्ट लंका कांड में लिखी है कि जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी भी स्वर्ग से आए, क्योंकि दशरथ जी जब मरे तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो अभी दशरथ जी स्वर्ग में गए क्योंकि उन्हें अभी आना था, इसलिए जब आना था तो मुक्ति हो जाती तो आना जाना मिट जाता, इसलिए वो अभी स्वर्ग में थे। और देवताओं के संग आए, राम जी से बोले, वाह राम, तुमने एक पिता की, तुमने रघुकुल की मर्यादा का पालन किया, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले, पिताजी क्या देना है, आपने तो सब कुछ दिया है। राम से बोले दशरथ जी, राम मेरी 2000 साल आयु बाकी है, जा राम मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। कितने साल दी, 2000 साल। अब आप बताओ कि राम जी दशरथ जी की आयु में हैं 2000 साल के लिए, उस समय सीता माँ के साथ रहते, पिता की आयु से राम जी अपनी पत्नी को टच करते, स्पर्श करते, तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं, क्योंकि वो आयु किसकी थी, जोर से, दशरथ जी की, और पिता की आयु से, पिता की एज, पिता की उम्र, पिता की शक्ति से पत्नी के संग रहते तो मर्यादा बिगड़ती, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए मर्यादा ना बिगड़े, सीता मैया को परम धाम भेज दिया। इसलिए सीता मां, अब राम जी सीता मैया के वनवास जाने में किसका दोष है, किसी का नहीं, समय दोषी है और ये लीला है। समाज को मैसेज दे रहे हैं प्रभु कि आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, और बच्चों को संस्कारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी 90% जिम्मेदारी मां की होती है, और वो मां की जिम्मेदारी माता सीता ने निभाई है, हां या ना। इसलिए बेटा बिगड़ेगा तो पहली दोषी मां है, बेटी बिगड़ेगी तो पहली दोषी मां है, दूसरा दोषी बाप है, क्योंकि बच्चे मां के साथ समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे बच्चों पर भारी पड़ेंगी। सीता मां अपने बच्चों को लेकर कितनी जिम्मेदार है, और आप अपने बच्चों को लेकर कितनी लापरवाह हो। बच्चों को लेकर संतों के पास जाओ, बैठो, कुछ सीखेंगे। हम आपके नगर में आए हैं,
आपके बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, सुनेंगे तो बच्चों का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हमारे आने से समाज को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हमें सुनोगे तो फायदा होगा, नुकसान ना होगा। बच्चों को बोला करो कथाएं सुना करें, संस्कार कथाओं से मिलेंगे। अब तुम कितना दे पाओ तुम जानो, पर संस्कार कथाओं से मिलेंगे। इसलिए बच्चों को लेकर वृंदावन आओ। इसी बहाने बच्चे सात दिन भागवत सुने। केवल पैसा देना जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप की, संस्कार देना भी जिम्मेदारी माँ बाप की है। तुमने पैसा दिया संस्कार नहीं दिया तो नुकसान आपका है। तो बताओ सीता माँ के वनवास जाने में कौन कारण है? एक छोटी सी कथा और है माता सीता के वनवास की, आप कहो तो सुना दूं। किस किस को सुनाऊं? कल हमारे राम जी का, हमारे श्याम सुंदर का विवाह है और कल रुक्मणी मंगल होगा, और जो रुक्मणी मंगल में सम्मिलित होता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। माता सीता के वनवास जाने की एक छोटी सी कथा और है, आज्ञा हो तो सुनाऊं। जब माता सीता छोटी सी थी तो एक दिन उन्होंने बगीचे में देखा कि एक तोती सुंदर राम कथा सुना रही है। तोती, माता सीता ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में बंद किया, चलो हमें कथा सुनाना राम जी की। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने तोते के पास जाना है। उसका तोता भी उड़ता उड़ता आया, पिंजरे में उसकी तोती थी बेचारा देख रहा था। सीता माँ से बहुत प्रार्थना की, सीता मैया ने तोती को नहीं छोड़ा, तोती गर्भवती थी। तोती बोली, मुझे, मैं तुम्हें रोज कथा सुनाऊंगी पर मुझे आजाद कर दो, मुझे पिंजरे में ना रखो, अपने पति के पास रहने दो। सीता माँ एक ना सुनी और बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। ये पद्म पुराण में लिखा है, कोई मनमानी बात नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण की ये कथा है। जितना भी हम सुनाते हैं आपको वो शास्त्रों में प्रमाणित है, इसलिए सुनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार वो तोता सीता मैया तोती को ना छोड़ी और तोती तड़प तड़प कर मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दिया, ए सीता तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया जब वो गर्भवती थी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे और मैं कारण बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, उसके कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ा। आप लोग जो पक्षियों को पाल लेते हो ना, पक्षी को कैद करना अच्छा नहीं, माता सीता ने किया था, उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो माता सीता के वनवास जाने का एक ये कारण है, तोती को बंधन में रखा, तोते ने श्राप दिया। भगवान परीक्षित जी ने कहा कि मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? तब माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, इनके द्वार पर कोई संत आ जाए, साधु आ जाए, भूखा नहीं जाता था। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण को दूध पिलाने का मौका मिला? जो जगत का पेट भर रहा है उसका पेट मैया यशोदा भर रही है। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, जंगल की लकड़ियां काट कर बेच कर और संतों की सेवा किया करती थी। कोई भी संत आए भूखा, देखो माता धरा ने पिछले जन्म में क्या किया, केवल सेवा की। सेवा के कारण उन्हें कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य मिला। एक बात बताएं मेरी मां, इस कली काल में चाहे युग कोई सा हो, भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं सेवा के कारण प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है, माता धरा जंगल की लकड़ियां बेचकर सेवा करती, संत कोई आए सबको पेट भर भोजन कराती। एक दिन संत आए, घर में अन्न का दाना नहीं, एक सेठ से पैसा मांगने गई, उसने कह दिया कि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। स्तन का मतलब, उस व्यक्ति ने माता धरा का चरित्र मांग लिया,
उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, या तो कुछ गिरवी रखो तब पैसा मिलेगा। अब धरा के द्वार पर संत खड़े हैं भोजन करने के लिए और अन्न का दाना नहीं। एक व्यक्ति से पैसा उधार मांगा, उसने कहा कि तुम अपने स्तन मुझे दे दो, पहले अपने स्तन दो, मतलब पहले मेरी इच्छा पूरी करो फिर पैसा मिलेगा। अब माता धरा विचार करने लगी, क्या करूं, यदि मैं इसे स्तन नहीं देती तो संत भूखे रहेंगे, और यदि देती हूं तो शरीर पीड़ित बहुत होगा। माता धरा को लगा कोई बात नहीं, ये स्तन ही तो मांग रहा है, शरीर में मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है, शरीर तो एक दिन जलकर राख ही होना है। पूछा माता धरा ने, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। फिर पूछा, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट कर उस कामी पुरुष के हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे मेरे स्तन, अब मुझे पैसा दे दे, मेरा मूल्य दे दे, संत खड़े हैं। अब वो तो अवाक रह गया, उसे समझ नहीं आया कि कोई ऐसे भी स्तन दे सकता है। काट कर दे दिया चाकू से, पैसा लिया माता ने, बाजार से सामग्री खरीदी, संतों को भोजन बनाया, परोसा। पर संतों के भोजन तो परोस रही थी ना, पर पूरी साड़ी लहू से भरी थी, लहू लोहान थी माता धरा। संतों ने पूछा, मां इतना लहू खून कैसे आया? मां ने कहा कि आपके लिए रोटी नहीं थी, उसने कहा कि स्तन दे दो, तो मैंने दे दिए, शरीर का टुकड़ा ही तो मांगा था, उसने दे दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे द्वार से कोई साधु संत भूखा जाए, वो संत तो थे ही नहीं, संत रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए थे। मां तुमने संतों की सेवा के लिए, आपके द्वार से भूखा ना जाए इसलिए आपने अपने स्तनों का दान किया। मां अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और इन्हीं स्तनों का दूध पीकर हम अपना पेट भरेंगे। तुमने संतों का पेट भरा है, अब तुम जगत के पालनहार का पेट भरोगी। वही धरा अगले जन्म में यशोदा बनकर आई और भगवान मैया यशोदा का दूध पी रहे पुत्र बनकर के। एक जीवन में किया गया कोई भी पुण्य, याद रखिएगा, जीवन में किया गया कोई भी पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, पुण्य का फल मिलकर रहेगा रहेगा रहेगा। माता धरा ने केवल सेवा की, ये अनिरुद्धाचार्य भी केवल माता धरा के पद चिन्हों पर चलता है और केवल सेवा करता है। माता धरा ने संतों की सेवा की तो अनिरुद्धाचार्य भी द्वार पर आया, कोई भी संत गौरी गोपाल आश्रम से भूखा ना जाए। आप आश्चर्य मानेंगे, वृंदावन में भजन करने वाले जो संत हैं, उन संतों को बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं, भजन करते हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, भोजन कहाँ करें, कहीं स्थान नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में आते हैं, पेट भर भोजन मिलता है। ये संत भजन करते हैं, अरे हम भजन नहीं कर पाए तो भजन करने वाले संतों का सहयोग करके, रोटी दे करके भजन में सहयोगी तो बन सकते हैं। आप अपनी कमाई से इन संतों के लिए धन दोगे तो ये संत अपने भजन से आपको भजन का कुछ फल देंगे। इसलिए आप भी जितने भक्त यहां बैठे हैं, आप सबसे बोल रहा हूं कि इन संतों के लिए आप एक संत को भले पेट भर रोटी देने का संकल्प लो, पर जरूर लो, आप इन संतों को पेट भर भोजन दे सकते हैं, एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के। आप भी अपनी बेटी और बेटे के नाम से, आज बेटी का जन्मदिन है, आज बेटे का जन्मदिन है, आज शादी की सालगिरह है, तो आप अपने बेटा बेटी के नाम से संतों को अन्न दे करके और बच्चों को आशीर्वाद दिलाओ, जिस आशीर्वाद से बच्चों की आयु, बच्चों का यश, बच्चों की कीर्ति बढ़ेगी। आपके आसपास ही कार्यालय लगे हैं, आप अपना नाम लिखाकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। और आज हमारे भैया कृष्णा बाजारी जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राधिका बाजारी जी और पुत्री धानवी जी, आज छोटी बेटी का आज
जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में देखिए आप सबको भागवत सुनने को मिल रही है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए आपसे सीखो। हजारों संतों को अन्नदान देकर, भोजन देकर आशीर्वाद है आपको। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा सुखी रखें, सदा सुहागन रहिए, गंगा यमुना की तरह आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें और सदा सौभाग्यवती भव। सुहागन रहिए, हर खुशी भगवान आपकी झोली में डालें जो आप चाहती हैं। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो दुआएं निकलती, वो दुआएं खाली नहीं जाती। इसलिए आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाकर संतों की सेवा से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है। पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोई कौन सी है? पहली रसोई है जगन्नाथ जी की, दूसरी रसोई है तिरुपति बालाजी की, तीसरी रसोई है अमृतसर पंजाब गोल्डन टेम्पल, चौथी एक जगह और पांचवी गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता फ्री में, निःशुल्क। तो आप भी एक दिन की प्रसादी हजारों भक्तों को देकर पुण्य के भागीदार जरूर बने और आप भी इस पुनीत कार्य से जुड़ें। किया गया पुण्य संग चलेगा, किया कमाया हुआ सब यहीं रह जाएगा, पर पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, पुण्य संग चलता है। मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाओ के अच्छी बात है, जीते जी भी कुछ ब्राह्मण खवाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों ब्राह्मण भोजन करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में हजारों, गौरी गोपाल गुरुकुल में 104 बच्चे पढ़ते हैं। आप उन बच्चों को भोजन देकर, कॉपी किताब देकर, उनके लिए क्लास रूम बनवाकर आप उन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बन सकते हैं। गौ माता रहती हैं, गायों के लिए 1 गज 2 गज भूमि देकर, गायों के लिए गौचर भूमि देकर गायों का सहयोग कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 273 वृद्ध माएं, जिन माओं का आप सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माओं के लिए आप एक कमरा बनवाकर, इन माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है जहां 1000 माताएं रह सकेंगी। आप भी एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को दे सकते हैं या फिर एक कमरे की छत डलवा सकते हैं आप लोग, यदि लायक हैं। देखो अभी पानी बरसा तो हम सबको छाया की जरूरत पड़ी कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह जब बच्चे घर से निकाल देंगे अपनी माओं को तो उन माओं को छाया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो एक कमरे की छत डलवाकर आप भी उन माओं के सिर पर छाया का बंदोबस्त करा सकते हैं। जब आप किसी के सिर की छाया बनोगे तो भगवान सदा आपको अपनी छत्र छाया में रखेंगे। इसलिए लायक हो तो सेवाओं से जुड़िएगा। आप किसी एक माँ को गोद लीजिए और एक माँ का सहारा बनिए, जीवन भर रोटी देने का संकल्प कीजिए। आपका भोजन माओं के लिए भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आश्रम के निर्माण में एक ईंट का, एक सीमेंट की बोरी का आप सहयोग कर सकते हैं। जिस लायक विधाता ने बनाया है जुड़िएगा। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप लायक हैं तो जितना देने के लायक है दीजिए, और लायक नहीं है तो भगवान आपको इतना लायक बनाए कि आप किसी बेसहारा माँ का सहारा जरूर बने। किसी संत को रोटी देकर भोजन की व्यवस्था से जुड़ें। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना मेरे देशवासियों, पर यह सोच कर काम करना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल आश्रम में रहती है और आधा घंटा की कमाई उन वृद्ध माओं को दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, 273 माताएं रहती हैं तो माताओं के रहने खाने की व्यवस्था ये छोटी व्यवस्था है या बड़ी व्यवस्था है? हजारों लोग भोजन करते हैं, ये छोटी व्यवस्था है कि बड़ी? बोलो। आपके घर में केवल 5 लोग हैं उसके लिए कमाते हो आप, हमारी तो 273 केवल माताएं, और जो कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन की सेवा, 104 विद्यार्थी, गौ माता, ये सबकी सेवा कैसे होगी? मैं कोई बिजनेस तो करता नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी तो हूं नहीं, मैं तो आपसे भिक्षा मांग मांग करके सब माताओं की सेवा करता हूं। तो मुझ जैसे भिक्षुक को भिक्षा दे करके, अन्य की भिक्षा दे करके अपने धन को पवित्र जरूर कीजिएगा। और भिक्षा मांगने आया हूं, जिस लायक हो, अन्य का एक दाना ही सही पर दीजिएगा जरूर। मिट्टी
मैं एक दाना बोया जाए तो एक दाने से 50 दाना होता है, ऐसे धर्म में जब एक दाना लगता है तो हजारों दाने भगवान करते हैं, एक का हजारों गुना। इसलिए आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं, आइए पहले दानवीर महापुरुषों के नाम सुने, फिर आगे की कथा आरती के बाद ही आप सब जाइएगा, ऐसी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए इतनी प्यारी और मीठी कथा के लिए जिसका श्रवण पान हम और आप सभी लोग कर रहे हैं। आइए, जैसा कि सद्गुरुदेव भगवान ने सेवाओं के बारे में बताया, उन सेवाओं से हम भी अपने आप को जोड़ लें जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आप में से कुछ लोग वृंदावन नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से वृंदावन घर बैठे आप इस पांडाल के माध्यम से जरूर जुड़ सकते हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन पावन सेवाओं से जोड़ा जाए, माओ की सेवा में आपका धन लगे और धर्म से पुण्य से आप अपने आप को जोड़े। आज की श्रेणी में स्वर्गीय लेडगु यादव के नाम से, स्वर्गीय सुनील यादव जी के नाम से भिलाई छत्तीसगढ़ से 5 लाख रुपए का योगदान माओ के लिए एक कबरा बनवाने के लिए दिया गया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भिलाई छत्तीसगढ़ से अपना योगदान पहुंचा रहे हैं वृंदावन के लिए। साथ ही केवरा भाई यादव जी भिलाई से आपने 42,000 रुपए सभी सेवाओं के लिए दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतना से सभी सीमाओं के लिए 51,000 रुपए गुप्तदान के रूप में दे रहे हैं। गीता देवी स्वर्गीय मथुरा लाल जी के नाम से भीलबड़ा से 21,000 रुपए दे, तो एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। वहीं इसी श्रेणी में 21,000 रुपए उमेश प्रसाद वर्मा नालंदा बिहार से, राजेश कुमार जी रांची से 21,100 रुपए, ललित जी बंसला पंजाब से आप 21,000 रुपए, मोतीलाल जी शर्मा धार से आप 21,000 रुपए, कमला जी राठौर अहमदाबाद से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए देवेंद्र कुमार जी मुखिया मधुबन बिहार से 11,000 रुपए, धर्मेंद्र कुमार से मुंगेली छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, साक्षी रोहिला गुड़गांव से 11,000 रुपए, आर्य पंडा उड़ीसा से 11,000 रुपए, रक्षा देवी ऊना हिमाचल से आप 11,000 रुपए, शकुंतला सज्जन जी दिल्ली से रसोई के लिए 11,000 रुपए, गीता देवी स्वर्गीय मथुरा लाल जी के नाम से भीलबड़ा से 11,000 रुपए की योगदान आप दे रहे हैं। संयुक्ता कुमारी बलरामपुर से आप ओडिशा से 11,000 रुपए, सोमनाथ साहू जी इंदौर से 11,000 रुपए, सुखमणि मेहरा आप सारगढ़ से 11,000 रुपए, अक्षय कुमार जी मेरठ से आप 51,000 रुपए, अंकित अगरगा अक्षय कुमार मेरठ से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं। वहीं इसी श्रेणी में सरोज शर्मा जी सोलन से आप 5,100 रुपए, ज्योति प्रकाश जी पात्र रायपुर से आप 2,500 रुपए, मीरा देवी गोरखपुर से विजय, कमला देवी पंजाब से 21 रुपए, सगुना देवी हिमाचल से विजय, ताराचंद जी साहू आप भाटापारा से विजय, उमा विश्वकर्मा आप मिर्जापुर से विजय, साथ ही साई बाबा राव जी काले नांदेड़ से विजय, सरस्वती देवी आप लखनऊ से आप 21 रुपए, आत्म प्रकाश जी दिल्ली से विजय, स्वराज जी आप युवराज साहू जी मुंगेली से विजय, स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी के नाम से भदेरिया जी दुर्ग से आप विशेष है, कुलकर्णी कृष्णा जी तेलंगाना से आप 2,051 रुपए। संयुक्ता मार्च से 7 तारीख से भागवत जी के पाठ वृंदावन में बैठेंगे, आप भी वृंदावन आकर भागवत जी की सेवा सुन करके सेवा करिए, भागवत सुनिए, भागवत का पाठ पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आप सुन रहे थे विश्व विख्यात कथावाचक परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा। आइए अब दान दातारों के नाम जान लेते हैं। 1,00,000 रुपए राम सिंह गुप्ता रोहिणी दिल्ली रसोई सेवा के लिए, 51,000 रुपए आरसी शर्मा बाबूराम शर्मा पंचकुला हरियाणा, 31,000 रुपए पार्थ बैनर्जी वर्धमान पश्चिम बंगाल, 21,000 रुपए मीना देवी रेणु देवी सीतापुर शरण से, 21,000 रुपए जगन्नाथ दयानंद शराफ रांची झारखंड, 21,000 रुपए स्वर्गीय प्रकाश महादेव सुरलकार बुलढाणा महाराष्ट्र, 20,051 रुपए चौहान मणिबेन गुजरात से, 21,000 रुपए स्वर्गीय नीतू बजाज पानीपत हरियाणा, 11,000 रुपए उषा सुरेंद्र मोहन मलिक फरीदकोट पंजाब, 10,100 रुपए राजीबाई जाट चित्तौड़गढ़ राजस्थान, 11,000 रुपए श्रीकांत सिंह पवार उत्तराखंड, 11,000 रुपए विजय लक्ष्मी अंबाला हरियाणा, 11,000 रुपए राजकुमारी सिंगल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 10,000 रुपए ओम प्रकाश जी गीता केड़िया हैदराबाद, 11,000 रुपए विष्णु प्रिया पटेल उड़ीसा से बंदर सेवा के लिए, 11,000 रुपए राजकुमारी सिंगल हापुड़ उत्तर प्रदेश, 11,000 रुपए सुनील कुमार गोयल जयपुर राजस्थान, 11,000 रुपए मुरली मनोहर गोयल गीता देवी शादी की सालगिरह पर अन्य क्षेत्र के लिए, 6,000 रुपए निर्मला बाई स्वर्गीय प्रति प्रकाश राव की पुण्यतिथि पर कर्नाटक से, 5,000 रुपए प्रमोद गुप्ता पश्चिम बंगाल, 5,100 रुपए आरती ठाकुर राजनंद गांव छत्तीसगढ़,
5100 सुशीला दंगल महाजन मेल गांव से, 5100 श्री गुरु प्रसाद यादव उन्नाव उत्तर प्रदेश, 5001 अमित अर्चना श्रीवास्तव ओम श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश, 5100 संजीव कुमार पंजाब से, 1100 इंदु सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश, 1101 डॉक्टर सुमन सिंह उत्तर प्रदेश, 1500 मीणा सूरी दिल्ली से, 4000 विलास मनोहर कदम पुणे महाराष्ट्र, 1100 गीता गर्ग अमरोहा उत्तर प्रदेश, 2001 योगेश अत्री बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, 1100 रामचरित्र यादव मधुबनी बिहार, 1100 सरोज कुमार सेठ उड़ीसा से, 1100 कन्हैया लाल जी चंपा छत्तीसगढ़, 1100 शकुंतला किला, 1100 पवन तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश, 1100 सगुना यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़, 1100 सविता संजय नांदेड़ महाराष्ट्र, 1100 ज्ञानती देवी सिंहभूम झारखंड, 1100 राजेश लखेरे भिंड एमपी, 1100 सुशील जायसवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश, 2500 अनिल कर्मकार पश्चिम बंगाल, 1100 सत्यवंती चावला सोनीपत हरियाणा, 1100 सुशील कुमार दिल्ली से, 1100 पिंकी महाली उड़ीसा से, 1600 रीता जैन जयपुर राजस्थान, 1500 नरेंद्र शुक्ला पश्चिम बंगाल, 3501 विक्रांत सिंगल अजमेर राजस्थान, 1100 अनिरुद्ध गोयल, 500 रीमा सिंह पटना बिहार, 1100 पीयूष गर्ग फरीदाबाद हरियाणा, 1100 श्री अर्जुन लाल अग्रवाल जयपुर राजस्थान, 2100 सुदेश त्यागी मुजफ्फरनगर से, 1100 शकुंतला चौबे पटना बिहार, 1000 सौदामिनी गौड़ा संबलपुर उड़ीसा, 1100 जगन्नाथ भोयर नागपुर महाराष्ट्र, 2100 नीतू जी बेंगलुरु से, 1100 दिवाकर पांडे फरीदाबाद हरियाणा, 1100 ज्ञानती देवी झारखंड से, 1000 संजय कुमार मौर्य गुजरात से, 1100 मंगल सिंह चौहान रतलाम एमपी, 1100 सर्वेश कुमार मौर्य फतेहपुर उत्तर प्रदेश, 1100 काशी रजक बेमेतरा छत्तीसगढ़, 1100 सत्यनारायण जी, 2100 बलिराम उपाध्याय भोजपुर बिहार, 1100 इप्सिता सेठ जन्म दिवस पर उड़ीसा से, 1100 संगीता जी बेतूल एमपी, 1100 श्री शिव कुमार कोरबा छत्तीसगढ़, 1000 राजेंद्र सिंह सामंत माधवी देवी उत्तराखंड, 1100 नारायण लाल जोशी केरल से, 1000 विकास दत्त राठौर परभणी महाराष्ट्र, 2100 गिरधर जी मुंबई महाराष्ट्र, 1100 लक्ष्मी नारायण श्री विनोद कुमार मिर्जापुर, 1100 कृष्णा देवी जम्मू से, 2100 शांति देवी राजस्थान, 2100 संतोष गोयल हरियाणा से। इन सभी पुनीत कार्यों में सहयोग देने के लिए आप सभी दानदातारों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए, इतनी प्यारी और मीठी कथा के लिए जिसका श्रवण पान हम और आप सभी लोग कर रहे हैं। आइए, जैसा कि सद्गुरुदेव भगवान ने सेवाओं के बारे में बताया, उन सेवाओं से हम भी अपने आप को जोड़ लें जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आप में से कुछ लोग वृंदावन नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से वृंदावन घर बैठे आप इस पांडाल के माध्यम से जरूर जुड़ सकते हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन पावन सेवाओं से जोड़ा जाए, माओं की सेवा में आपका धन लगे और धर्म से पुण्य से आप अपने आप को जोड़े। आज की श्रेणी में स्वर्गीय लेडगु यादव के नाम से, स्वर्गीय सुनील यादव जी के नाम से भिलाई छत्तीसगढ़ से 5,00,000 का योगदान माओ के लिए एक कबरा बनवाने के लिए दिया गया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भिलाई छत्तीसगढ़ से अपना योगदान पहुंचा रहे हैं वृंदावन के लिए। साथ ही केवरा भाई यादव जी भिलाई से आपने 42,000 सभी सेवाओं के लिए दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतना से सभी सीमाओं के लिए 51,000 गुप्तदान के रूप में दे रहे हैं। गीता देवी स्वर्गीय मथुरा लाल जी के नाम से भीलबड़ा से 21,000 दे, तो एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। वहीं इसी श्रेणी में
21,000 रुपए उमेश प्रसाद वर्मा नालंदा बिहार से, राजेश कुमार जी रांची से 21,100 रुपए, ललित जी बंसला पंजाब से आप 21,000 रुपए, मोतीलाल जी शर्मा धार से आप 21,000 रुपए, कमला जी राठौर अहमदाबाद से 11,000 रुपए, नक्षत्र बावन सेवा के लिए देवेंद्र कुमार जी मुखिया मधुबनी बिहार से 11,000 रुपए, धर्मेंद्र कुमार से मुंगेली छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, साक्षी रोहिला गुड़गांव से 11,000 रुपए, आर्य पंडा उड़ीसा से 11,000 रुपए, रक्षा देवी ऊना हिमाचल से आप 11,000 रुपए, शकुंतला सजबन जी दिल्ली से रसोई के लिए 11,000 रुपए की, देवी स्वर्गीय मथुरा लाल जी के नाम से भीलवाड़ा से 11,000 रुपए की योगदान आप दे रहे हैं। संयुक्ता कुमारी बलरामपुर से आप ओडिशा से 11,000 रुपए, सोमनाथ साहू जी इंदौर से 11,000 रुपए, सुखमणि मेहरा आप सारगढ़ से 11,000 रुपए, अक्षय कुमार जी मेरठ से आप 5,100 रुपए, अंकित अगरगा अक्षय कुमार मेरठ से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं। वहीं इसी श्रेणी में सरोज शर्मा जी सोलन से आप 5,100 रुपए, ज्योति प्रकाश जी पात्र रायपुर से आप 2,500 रुपए, मीरा देवी गोरखपुर से विजय, कमला देवी पंजाब से 21 रुपए, सगुना देवी हिमाचल से विजय, ताराचंद जी साहू आप बाटापारा से विजय, उमा विश्वकर्मा आप मिर्जापुर से विजय, साथ ही साई बाबा राव जी काले नांदेड़ से विजय, सरस्वती देवी आप लखनऊ से आप 21 रुपए, आत्म प्रकाश जी दिल्ली से विजय, स्वराज जी आप युवराज साहू जी मुंगेली से विजय, स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी के नाम से भदेरिया जी दुर्ग से आप विशेष हो, कुलकर्णी कृष्णाबाजी तेलंगाना से आप 2,051 रुपए, संयुक्ता कुमार उड़ीसा से, दीपक चतुर्वेदी आप आजमगढ़ से, रविंद्र जी दिवाकर आप देहरादून से 21 रुपए, सीधा साहू जी छत्तीसगढ़ से आप 21 रुपए, भगवान दास जी वर्मा आप दिल्ली से, सुनीता जी आप ओम प्रकाश जी राजा प्रसाद जी मुंबई से, साथ ही राजन प्रसाद जी शुक्ला 21 रुपए, रजी शर्मा जी पश्चिम बंगाल से 2,151 रुपए, मर्दे महेश जी जम्मू से विजय, आदित्य जी विजय चौहान मुंबई से आप 21 रुपए, योगेश साहू आप दुर्ग से, विजय सर मंजुला जी भोपाल से 2,000 रुपए, देवदास जी सेठी आप उड़ीसा से विजय, सीमा जी कुमार उत्तर प्रदेश से, मोदी जी साहू आप रायपुर से, संगीता कृष्ण जसवाल बटकोल मऊ से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में पायल जी गुप्ता रायपुर से आप 21 रुपए, अरुण कुमार शर्मा दिल्ली से विजय, बंधुदास जी दिल्ली से विजय, सुमन पांडे दुर्गा देवी शर्मा आप रविंद्र कुमार दिवाकर आप 21 रुपए, सुक्रांति साहू जी आप 21 रुपए, श्री राजेश साहू जी गौरी साहू जी कबीरधाम से 3,100 रुपए आप दे रहे हैं। दीपक चतुर्वेदी स्वर्गीय हृदय शंकर चतुर्वेदी के नाम से आप आजमगढ़ से विजय, मलिक राम जी विजय, धरवल जी रंजन जी पटना बिहार से, स्वर्गीय हृदय शंकर चौबे के नाम से आजमगढ़ से, रानु साहू जी हरेली बाई जी साहू आप बालोद बाजार छत्तीसगढ़ से, पायल जी उत्तर रायपुर से आप 21 रुपए, सुनीता जी डीमर आप दुर्ग से आप विजय सहयोग, रविंद्र पिंड सभा लक्ष्मी जी पिंड सभा सीतापुर से आप 2,000 रुपए, नक्षत्र बावन सेवा, ललित कुमार जी यादव आप 21 रुपए, राजू जी मैं तो महाराजगंज से आप 2,100 रुपए, योगेश जी साहू जी दुर्ग से, श्रवण द्विवेदी धवल रंजन पटना बिहार से, शारदा देवी गुप्ता पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता वेदराम चौहान जी रायगढ़ से, राजा प्रसाद जी मुंबई से आप भी विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में बिहार सिंह भाई जी आप मानिकपुरी से आप 11,000 रुपए, ज्ञानेंद्र कश्यप आप लौदा बाजार से आप 51,000 रुपए, तीजय यादव जी रायपुर से आप 11,000 रुपए, छिदीलाल जी रायपुर से आप 10,100 रुपए, पुष्पाजी धीवर आप रायपुर से 11,000 रुपए, कलाबाई जी सिन्हा टाटा नगर बिहार से 11,000 रुपए, कृष्णा जी मनीषा जी रायपुर से 11,000 रुपए, सूर्य श्री गेंदाराम जी के नाम से रायपुर से 11,000 रुपए, पुनीत राम यदू जी आप रायपुर से 11,000 रुपए, यशोदा बाई जी आप 11,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में आनंद जी आप रायपुर से विजय से, साथ ही पुष्पांजलि वैष्णव जी चंपाबाजी साहू आप 21,000 रुपए देते हो, एक माँ का जीवन सहारा बने हैं, लक्ष्मी साहू जी आप 3,100 रुपए आप रायपुर से, गुप्तदान 3,100 रुपए, मुकेश सेठ जी लक्ष्मी नारायण जी छाया दिवंगत जी इंद्रा साहू जी आप विजय से, अंजन यादव जी भिलाई से आप 2,000 रुपए, रियान जी दिवंगत आप 21,000 रुपए, अनुराग जी आप अनुराग श्रीवास्तव जी विजय से, देवी नारायण जी दिवंगत आप 51,000 रुपए, महेश अभय जी आप भी विजय से के रूप में 51,000 रुपए दे रहे हैं, योगेश मधु धापक जी आप विजय से, छत्तीसगढ़ से सुशीला साहू जी रायपुर से आप विजय से के रूप में 51,000 रुपए, रामचंद जी विजय से, शिवशंकर राम जी विजय से गुप्तान 11,000 रुपए रायपुर छत्तीसगढ़ से, रनिया साहू जी विजय से 11,000 रुपए स्वर्गीय है, दीपा जी साहू के नाम से हरिचंद्र साहू जी विजय से 51,000 रुपए स्वर्गीय है, सोहन सेन जी प्रदान करें, शांति बाई जी 2,000 रुपए गुप्तान विजय से ग्रुप में, साथ ही रोशनी साहू जी आप भी विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे श्रेणी में शिव कुमार जी विशेष सहयोग, ललित कुमार जी विशेष, करण जी राणा कौशला जी 21,000 रुपए उड़ीसा से, देवनाथ प्रसाद साहू जी आप रायपुर से विजय, प्रेम कुमार दिवंगत आप रायपुर से 21 रुपए, प्रतिमा जी 9,000 रुपए रायपुर से आप दे रहे हैं। साथ ही श्रेणी में रामप्यारी दिवंगत आप रामजी दिवंगत आप समझ पारिवारिक ओर से रायपुर से आप 21,000 रुपए, स्वर्गीय देशाशी जी मरकाम रायपुर से उनके नाम से 15,001 रुपए, जुगल जी गोंदा साहू जी आप बेनु माहेश्वरी, साहू कमल पुष्पा साहू जी आप साहू परिवार की तरफ से 31,000 रुपए, संतोष यादव जी रायपुर से आप 21,000 रुपए, मदनलाल जी भोई आप जमन जी भोई जमुना जी भोई मासुमन से 5,005 रुपए, सरस्वती पटेल मार्ट आप 10,000 रुपए, रामबाई जी गुड़गांव आप 2,021 रुपए, निर्मला चंद्राकर आप दहा आप छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, रुकमणी चंद्राशंकर आप विशेष चक्र में 5,100 रुपए, कर्चरा जी रायपुर से 2,101 रुपए, ऊषा जी फिरत ईश्वरी साहू जी आप 31,000 रुपए, प्रेम बाई जी दुर्ग से आप 15,500 रुपए, मोहन जी साहू आप रायपुर से 11,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11,000 रुपए सुनीता सोनी कोट रायपुर से आप दान कर रहे हैं, बेला धुर्जी जेल आप कलानी 2,001 रुपए, विष्णु वर्मा जी रायपुर से 21 रुपए, कृष्ण कुमारी शर्मा रायपुर से 11,000 रुपए, चंपाबाजी राजनगर से आप 11,000 रुपए, साहब लाल जी कौरव आप प्रेमता जी रायपुर से विशेष सहयोग में 5,001 रुपए दे रहे हैं। इसी श्रेणी में उत्तम वर्मा 2,121 रुपए, शत्रुधन कामिनी यादव जी रायपुर से आप 3,000 रुपए, मंडोरी परोलिया बासना से 21 रुपए, कुमार सिंह जी साहू रायपुर से 51,000 रुपए, बेनुराम जी साहू रायपुर से 21 रुपए, श्री अवध राम साहू जी राजन गांव से 11,000 रुपए, बाना भाई जी कौशल जी सागुड़ा आप 21 रुपए, चंदे जी रोगड़ी आप कवरदास से 10,010 रुपए आप दान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
अन्य क्षेत्रीय पावन सिबक लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए दुर्गेश नंदी वैष्णव आप रामपुर से 11,100 रुपए, राधेश्याम निसाजी बलद बाजार से आप 5100 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है। आइए इसीलिए इसी श्रेणी में आरती के लिए मैं जो नाम बोलूंगा कृपया वही आरती के लिए मंच पर आएंगे। साथ ही सुनीता बाजारी जी, ओम प्रकाश बाजारी जी, पिंकी बाजारी, काना बाजारी, राधिका बाजारी, मोहनलाल बाजारी, पहलाजी बाजारी, हरीश चंद्र जी आप लोग आरती के लिए आएंगे। साथ ही श्री राम प्रताप सिंह जी आप प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री जी आदरपूर्वक आप भी मंच पर आए। उमेश राठी जी, श्रीमती रीता राठी जी सपरिवार आप भी मंच पर आए। साथ ही अमित जी, शीतल अग्रवाल जी, मनीष कृति जैन जी, साथ ही संजय मित्तल जी, राकेश दुग्गड़ जी, रोहिणी पंडित जी कार्यालय मैनेजमेंट से, अरुण झा, संतोष राजपूत, संजय शुक्ला, जय यश कुकरेजा, क्षिति तिवारी, जय रक्षेल, आकाश गिरी, पीयूष कुकरेजा, राजेश गोयल जी, मिलन अग्रवाल, श्रेष पारक, निखिल संघी, सार्थक सिंह राजपूत, विक्की केशरवाणी, जनक शाही, अभिजीत वर्मा, रिंकू सैन, जितन तिवारी, आशीष तिवारी, रितेश राठौर, सुजल गांगुली, नितेश तिवारी, राकेश दुबे, दिवाकर शुक्ला आदि लोग कृपया करके मंच पर आएंगे। और एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए और इन पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। अब आइए मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन पावन सेवाओं से जोड़ा जाए, माओ की सेवा तक आपकी भी हाथ पहुंचे और आप भी माओ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जितने भी लोग यहाँ हैं इस पावन उपस्थिति को ऐतिहासिक बना रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप ये ऐतिहासिक सेवा के रूप में भी अपना नाम दर्ज कराएं और सबको लगना चाहिए कि रायपुर से जैसे एक अयोध्या जैसी छावनी यहाँ बनी है वैसी सेवाओं में भी माओ को भी भरपूर प्यार यहाँ रायपुर से मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम माओ तक पहुंचे और माओ का आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत हो। तो आइए जो लोग यहाँ है उनके लिए काउंटर लगा है, जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीम चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर दिखाया जाएगा ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे इस पावन कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे यशोदा माँ श्री कृष्ण को एक बार उखल से बांधती हैं। भगवान ने उखल टेढ़ा करके नलकूप रमण ग्रीव का उद्धार किया। दोनों ने भगवान की स्तुति की। सुखिया बेचने सुखिया माँ जो फल बेचने वाली उन पर कृपा हुई। भगवान वृंदावन आए अघासुर पर कृपा। ब्रह्मा जी का मोह धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण किया। बाद में स्तुति की भगवान ने उन्हें क्षमा किया। काली अनांग पर कृपा प्रलंबासुर पर उद्धार। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। गोपियों ने सुंदर सवरह पीडम नटवर वपोह कर्ण यो कर्णिकारम विभ्रद वासा कनक कपिशंबई जयंतीम चमालाम। भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाया गोपियों ने वेणु गीत और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। एक बार भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए बाद में लौटाए। कल हम आपको बताएंगे कि भगवान ने रास क्यों रचाया, रास का सही अर्थ क्या है। अब भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और मैया 56 भोग बनाई। अब हमारे भैया कृष्णा भैया भगवान जी को 56 भोग लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। सबने 56 भोग बनाए और गिरिराज जी को मानसिक गंगा से स्नान कराया और भगवान एक रूप से भगवान गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। एक रूप से गिरिराज जी प्रसादी पा रहे हैं। तो गिरिराज जी को हम सब भाव से भोग लगाएं अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। चलो चलो सब गोवर्धन। आज भगवान जी को 56 भोग लगे हैं तो आप भी भाव बनाओ कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने पूजा की, पूजा करके घर आए। अब सभी लोग आप भाव बनाओ कि हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। देखो इंद्र ने आज भी पानी बरसाया और गिरिराज जी की लीला है तो पानी तो बरसना ही था। तो देखो आज जो लीला है वही हो रहा है, ठाकुर जी वही कर रहे हैं। इंद्र ने खूब पानी बरसाया। भगवान ने गिरिराज जी धारण, जैसे भगवान ने गिरिराज जी उठा करके और ग्वाल बालों की रक्षा की ऐसे भगवान ने आज हम सबके बीच में ये देखो कृपा के गिरिराज जी को उठाकर हम सबको
पानी से बचाकर को सुंदर सी कथा आप सबने सुनी। पानी बरसता रहा, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, सब तलहटी पर आए। बाद में 7 दिन बाद इंद्र आए, क्षमा मांगी, प्रार्थना की, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने गाय के दुग्ध से अभिषेक किया, भगवान की परिक्रमा लगाई, इंद्र अपने स्वर्ग गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। और मैया ले जाके लाला को 56 भोग लगा रही है, सब भोग प्रसादी पवा रही है, आप भी भोग लगाओ। मैया बड़े लाड़ लड़ा रही है कन्हैया से, और कन्हैया की सेवा में मैया यशोदा लगी है। आगे कल भगवान का विवाह उत्सव कल सुनेंगे, आइए आज ठाकुर जी के चरणों में आरती समर्पित करें। आगे की कथा कल ठीक 1 बजे से। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमदे नारायणाय नमः। हरिः ॐ। मम चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जी
जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीणता। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवान वाला भंडार वाला कपाल वाला दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता जनता त्वमेव, त्वमेव बन्धो दुष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या जनम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम ते भज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरुर् अर्जुनम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे त्रिगरम माधवम गोपिकावलम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट वंशी वाले गोगुल के राजा, मेरी अखियां दर्श रही अब तो आजा। घट वंशी वाले गोगुल के राजा, मेरी अखियां दर्श रही अब तो आजा। अजन दिलाल तरस रहे ने, अज गोपाल तरस रहे ने, हाँ तरस रहे ने ना बरस रहे ने ना, बरस रहे ने ना बरस रहे ने ना, तरस रहे ने ना बरस रहे ने ना, तरस रहे ने ना बरस रहे ने ना, अज गोपाल तरस रहे ने ना, अज गोपाल तरस रहे ने ना, पुष्पांजलि वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म के अयोध्या धाम के चित्रकूट धाम के हरिद्वार धाम के वृंदावन धाम के जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो, बुढ़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी को अभी 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी में जिनको जुड़ना है आप आ सकते हैं, जिनको मिलना है हम 6:30 बजे यही मिलेंगे, सुबह 10 बजे भी गुरु मंत्र के लिए हम यही आएंगे, आप मिल सकते हैं जिनको भी मिलना है।
सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सर पड़े की लाज है तुमरा को गिरिराज, दोनों भुजा पसार के मेरो चरण में बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। आप सभी भक्त वृंदों से निवेदन है, जिनको भी महर्षि से मिलना है, अभी 6:30 बजे यहाँ पर महर्षि आपको सभी को मिलेंगे।